أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع, سبع واتٍ <مت> طيبًا ولقد زينا السماء وجعلناها هجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، صدق अल्लामक आप सबको आज भी रूह रमज़ान इश्क इश्क रमज़ान में खुश आमदेद कहता हूँ जब भी सोलह रमज़ान आता है बहुत सारी यादें और बहुत सारे वाक़ याद आने शुरू हो जाते हैं बड़ी डिस्टर्बेंस होती है एक दिन पहले से ही बिकॉज़ आई रिम्बर दो हज़ार सोलह कोई 14वां रोज़ा और एक ट्रेडिशन हमारा है पिछले कुछ सालों से कि मोइन खान स्टेडियम में कोई टूर्नामेंट होता है और हम सभी वहाँ पे जाते हैं खेलते हैं इस साल भी खेलेंगे और मुझे याद है चौदवा रोज़ा और हम सारे दोस्त यार कलिग्स वहाँ पे मौजूद क्रिकेट खेल रहे थे मस्तियाँ कर रहे थे हंगामे कर रहे थे और आ, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त उस दिन आ, बड़ा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने कुछ तीन विकेट्स भी ली बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा बैटिंग भी की और पंद्रहवें रोजे की सोलहवें रोजे की रात को उनको मैंने सुबह सैरी में एक जगह पे देखा मैं उस वक्त लेट नाइट ट्रांसमिशन करता था कोई तकरीबन ग्यारह से एक बजे तक तो वो करके जब मैं घर आया थोड़ी देर जाग रहे थे हमने कहा चलो शैरी का वक्त हो जाए फिर सैरी करके सोते हैं तो एक चैनल पे मैंने देखा उन्होंने आ, मन कवत पढ़ी या नात थी ालिबन तो वो जब पढ़ रहे थे तो वो भी रो रहे थे हम भी रो रहे थे खैर वो देख के हम सो गए मैं जब उठा सो के तो बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे मुझे बहुत गु़स्सा चढ़ा कि यार इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए लेकिन फिर कन्फर्म हुआ कि हम साबरी को कुछ नाम लोगों ने गोलियां मार के हलाक कर दिया ज़मीन के मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी एक दिन पहले हम मस्तियाँ कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं और खैर घर पहुँचे सारी इन्फॉर्मेशन ली सब पता किया, कालिबन वो लोग पकड़े जा चुके हैं और आज अमजद को हमसे जुदा हुए तकरीबन सात साल हो गए वेरी पेनफुल प्रोसेस और हिज़ फैमिली उसकी पूरी फैमिली के लिए बड़ा पेनफुल रहा बड़े मशहूर कवाल, मतलब बड़े ही हँसते मुस्कुराते रहने वाले इंसान बड़ी मस्तियाँ हम लोग करते थे मैं उस वक्त जिस चैनल पे था तो वहाँ से उनका घर बड़ा करीब था तो अक्सर सुबह मैं उनको बुला लिया करता था कहता था यार मैं अभी सोने लगा था तो फ़ोन कर रहा है यार मैंने कहा आ जाए एक दो घंटे की बात है ओके चला जा हम फंस गए हमारे पास कोई आ, गेस्ट आज नहीं है कहता तुम लोगों ने ना मुझे वन फाइव समझा हुआ जब कहीं फंसते हो तुम लोग मुझे फ़ोन कर लेते हो सो so बस यादें रह जाती हैं और बड़ा जुल्म हुआ बड़ा जुल्म हुआ आ, बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त बहुत ही छोटे थे अब तो माशाल्लाह बेटा जवान हो गया है बेटी बड़ी हो गई है नौ साल पहले तो देव वेरी यंग बहुत जल्दी ज़ालमों ने उनसे उनका बाप छीन लिया अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए करम करे क्या सिलसिले होते हैं क्या सिलसिले नहीं होते हैं झूठ सच की कहानियों में अक्सर लोगों पे ये जुल्म हो जाता है और ये जो जुल्म है ये बेतहाशा लोगों पे हुआ मशल ख़ान के साथ हुआ और भी लोगों के साथ हुआ कि झूठ सच पे उसके ऊपर इतना बड़ा आ, हमला हुआ कि उसकी जानी ले ली और भी इस तरह के कुछ वाक़ हुए जो कि वाकई बहुत पेनफुल थे हम सब के लिए बहुत पेनफुल है जुल्म की बात आज मेरे ख़्याल से करना बहुत ज़रूरी है हमा हम के सेगमेंट में जुल्म पे बकायदा आज डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं तो जाने अनजाने में कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी पे कोई ना कोई जुल्म जरूर कर रहा है या तो कोई उससे उसका हक छीन रहा है या कोई ना हक हक जो उसका नहीं बनता वो लोगों से छीन रहा है कहीं पर लोग जो हैं वो किसी पे तोहमत लगा रहे हैं कोई ऐसी तोहमत लगा देते हैं कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा देते हैं जिसका रद्द अमल ये होता है कि वो अपनी जान से जाता है इस दुनिया से चला जाता है इससे बड़ी तोहमत और क्या होगी या फिर आप कोई एक ऐसी बात कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने देखी और देखने के बाद आपने कहा और इस बात को आगे बढ़ाते हैं ये बड़ी स्पाइस है इसके अंदर इसके अंदर बड़ी बड़ा मज़ा है तो इस बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो कोई ऐसी वीडियो किसी की आ गई आपके हफ्ते वो आप वीडियोस फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं बग़ैर सोचे समझे कि उस गुनाह जारी में आप भी शामिल हो गए किसी ने तोहमत लगाई आपने बिना तस्दीक किए बिना तहक़ीक किए आप भी उस तोहमत का हिस्सा बन गए आप भी उस गुनाह जारिया में शामिल हो गए जब तक वो चीज़ चलती रहेगी आप उस सिलसिले में घूमते रहेंगे वो गुनाह जब तक गु... जब उसमें कोई सच्चाई नहीं है अगर सच्चाई भी है तो मैं कहता हूँ कि बेहतर ये होता है कि आप अपने आप को वहाँ रोकें हाँ जुल्म अगर होते हुए देखें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएँ हाथ नहीं उठा सकते आवाज़ उठाएं, आवाज़ नहीं उठा सकते कलम उठाएं, क़लम नहीं उठा सकते दिल में बुरा कहें ये बेहतर चीज़ है लेकिन इस तरह से जब आपको कंफर्म नहीं आप जानते ही नहीं हैं किसी को आपको अंदाज़ा ही नहीं है उस इंसान के बारे में आपने सिर्फ़ सुनी सुनाई बातों में एक मतलब फ़र्जी आपने जो है वो चीज़ बनाई और आपने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तोहमत लगा दी कितना बड़ा जुल्म है ख़् म किसी के ख़िलाफ़ बुक्स कीना आपने अपने दिल में रखा हुआ है और कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हैं कि मैं इस इंसान को जलील करूं इसको मैं नीचा दिखाऊं और इसको मैं किसी तरह से जो है वो उस मकाम पे ले जाऊं जहां से ये कभी उठ ना सके वो इंसान कुछ नहीं कर रहा वो चुप करके सब कुछ देख रहा है जुल्म में है। देखते हैं आप लोगों के उन ऐबों को देखकर आप बकायदा तौर पर उसका वाह वेला मचा देते हैं किसी की कुछ ज़रा सी गलती होती अक्सर है अक्सर मैं देखता हूँ कोई हमारे क्रिकेटर हैं उनसे ज़रा सा फंबल हो गया हमारे कोई सियासतदान हैं उनसे कुछ छोटा सा फंबल हो गया कोई एक्टर है उसने कुछ ज़रा सी उल्टी सीधी बात करती कुछ मतलब कुछ होता ना कि कभी बातें करते करते मुंह से कुछ गलत भी निकल जाता पूरा पूरे लोग सोशल मीडिया पे उसका मजाक उड़ा रहे उड़ाए चले जा रहे हैं किसी ने किसी से शादी कर ली किसी ने किसी को तलाक दे दी कुछ हो गया पूरे लोग मिल के उसके पीछे पड़ जाते हैं भाई आप नहीं जानते हकीकत क्या है आप नहीं जानते कहते हैं उलय कराम आएंगे मैं ये आपको कंफर्म भी करके बताऊंगा कि कभी कभी आँखों देखा भी झूठ हो सकता है कभी कभी कानों सुना भी झूठ हो सकता है। तो आप पूरी पुख्तगी के साथ इस बात को नहीं कह सकते कि मैंने जो देखा है और सुना है वो सच है आपने तो ना देखा है ना सुना है आपने सोशल मीडिया पे एक पिक्चर बनी हुई देखी कि ये पिक्चर है ये ऐसा हुआ ये ऐसा हुआ लो बॉस कंफर्म ये ये वाला सीन है और मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ अभी पिछले दिनों में किसी की शादी होती है किसी की तलाक होती है खां एक आदमी जो होस्ट है उसके पीछे आधा पाकिस्तान पड़ जाता है उसका क्या लेना देना है उसके ख़िलाफ़ आप वीडियो भी बना रहे हैं उसके ख़िलाफ़ आप बातें भी कर रहे हैं किसी के भी ख़िलाफ़ कोई भी बात आपने कर देनी है ख़ुदा का नाम लें इस बढ़ते हुए जुल्म को रोकना है हमारे ऊपर परेशानियाँ आती हैं हमारे ऊपर अल्लाह ताला की नाराज़गी आ सकती है अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे अगर अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाता है एक तो ये बात सब ने सीख ली है कि अल्लाह ताला जो है वो सत्तर माहों से ज़्यादा प्यार करता है वो माफ़ कर देगा भाई कर देगा माफ़ इसमें कोई दूसरी राय नहीं है लेकिन उससे पहले ये भी तो पढ़ें ये भी तो सब कुछ पढ़ें कुरान पाक में कि एक ही आपने आयत पढ़ के उसका तर्जुमा निकाल लिया अल्लाह ताली जब इस तरह के लोग ज़ुल्म करते हैं उनका क्या अशर करता है जब लोग गुनाह करते हैं उनका क्या अशर करता है अल्लाह 70 माओ जितना प्यार करता है वो माफ़ कर देगा भाई आप माँ बाप को ठुडे मार रहे हैं वो माफ़ करेंगे आपको ज़रा सा अकल को हाथ मारें एक ही बात को लेके हर कोई जो है इस बात पे पक्का हो गया है कि अल्लाह ने माफ़ कर देना भाई अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला है बेशक माफ़ करने वाला है लेकिन उस कर, उस जगह पे तो पहुँचे उस निदामत पे तो आए कि अल्लाह कहे कि हाँ मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ अल्लाह से तौबा नहीं करनी अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगनी अपनी चीज़ें मुस्तकिल करते रहना है और क्या कहना है कि अल्लाह जो है वो सत्तर माहों जितना प्यार करता है वो माफ़ कर देगा आप जुल्म कर रहे हैं लोगों पे, हैं कोई पॉलिटिशन है वो दस बारह साल की बच्ची है उसको बंद करके उसके साथ जुल्म कर रहा है बाद में वो कहे कि यार आ, अपना क्या कहते उसकी तो पूरी वीडियो सामने आ गई ना इसलिए तहक़ीक और तस्दीक के साथ ये बात कर रहा हूँ मैं या बच्चों के साथ जो जुल्म होते हैं या किसी औरत के साथ जो जुल्म होता है जब लोग पकड़े जाते हैं तो वो ये जुल्म है ये इन पे बात करें ना इन पे कोई बात नहीं कर रहा कश्मीर में क्या हो रहा है फ़लस्तीन में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं कर रहे लोग मर रहे हैं लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल उड़ा दिए अपना क्या कहते हैं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को मारा है क्या क्या जुल्म हुए हैं छोटे बच्चे मासूम बच्चे दूध पीने वाले बच्चे उनको मार दिए जुल्म है इस पर कितने लोग बात कर रहे हैं आपको टेंशन ये थी कि यार ये एक सेलिब्रिटी ने क्रिकेटर से कैसे शादी कर ली सीरियसली चलें ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं अलैक आप सबको ब्रेक पे आने पे मैं खुश आमदेद कहता हूँ इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करूँ हमारे साथ यहाँ पे आ, एक फाउंडेशन भी है उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी फोटाइल का खालिद स्वीट्स का पंजनत बाय जे डॉट का हरबियन का कोइस का एट्रियम मॉल का आ, कल यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त हैप्पी डोनट्स थे उनका भी वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का भी और ओजी डेवलपर्स का ख़ास तौर से ओजी डेवलपर्स का कहना है कि क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसिस दैट इंस्पायर एंड एलिवेट ओसी डेवलपर्स बहुत सारे इनाम दे रहा है क्या क्या है ये मैं आपको जेर ज़बर और मुझे कुछ कहना है कि सेकंड में मैं लेकिन फ़िलहाल मेरे साथ यहाँ पे मोविन फाउंडेशन से उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं चेयरमैन हैं मोवन फाउंडेशन के उनसे हम बात करेंगे लेकिन आज वो ऑनलाइन हैं और एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर मोवन फाउंडेशन दो से बहुत काम कर रही है और हम खुश कहना चाहते हैं मोहम्मद आसिफ संदीला साहब को एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ संदीला साहब वालेकुम सर अस्सलाम थैंक यू सर कैसे हैं ठीक ठाक है माशाल्लाह 2014 से आ, ये मेहनत आप लोगों की जारी है और अल्लाह पाक दिन ब दिन इसमें बरकत डालता जा रहा है बेतहाशा लोगों की आप मदद कर रहे हैं तो कैसे आपने सोचा कि ये एजुकेशन और स्किल्स पे काम किया जाए फैसल भाई पहली बात तो ये है ये अल्लाह ताला ए, ए, हम सब को ए, मदद करता है और रस्ते बनाता है तो मैं थोड़ा सा अर्ज ये कर दूं कि अब मैं क्लोज टू सेवेंटी ईयर्स तो अल्लाह ताला कुछ ट्रिगर जिंदगी में लाता है जिससे कुछ आपके रस्ते अगले रस्ते तयन मुतन होते हैं बिल्कुल जी तो मैंने एक किताब पढ़ी थ्री कप्स ऑफ टी ये एक अमेरिकन की स्टोरी है आता है के टू सार करने के लिए बीमार हो जाता है बाद में इस पर कंट्रोवर्सी भी आई बड़ी लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो उस वक्त तो उनके 200 स्कूल थे पाकिस्तान अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में तो मुझे लगा कि अगर एक अमेरिकन आके काम कर सकता है तो हम भी कर सकते ये एक ट्रिगर था मेरा तो जो थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं कि हम जो करते हैं पहली बात तो ये है कि आप किसी को पानी पिला दें खाना खिला दें कपड़े ले दें दवाई ले दें अल्लाह ताला तजर देने वाला है बेशक हमारा ख्याल ये है कि अगर किसी को आप अलिफ बे सिखाएं दो जमा दो सिखाएं उनकी कुछ तरबियत करें और उनको कोई हुनर सिखाएं तो वो अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल हो जाए तो ये बहुत अच्छा जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना टीच दम हाउ टू कैच फिश तो हम इसके पीछे लगे हुए हैं कि और दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमारा जो मेन फोकस है ना वो है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन दैट टू इन रूरल एरियाज एंड गवर्नमेंट स्कूल्स अब अगर वाई प्राइमरी प्राइमरी अगर ठीक होगा तो बुनियाद ठीक होगी वाई गवर्नमेंट स्कूल क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल पूरे मुल्क में फैले हुए और इस वक्त बदकिस्मती से वहाँ तालीम का काफ़ी मेयार जो है वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है और इसके साथ हमारी कोशिश है कि बच्चे जो हैं उनको कोई तरबियत की जाए इंसान बनाया जाए तो ये मोटी सी एक हमारी बात है ये इस पर हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह करे कि इसको हम पूरे मुल्क में फैलाएं एडमिल साहब ज़्यादातर स्किल्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या, -क्या स्किल्स सिखाई जा रही हैं हमने शुरू तो किया था <coughs> इलेक्ट्रीशियन एंड मोटरसाइकिल एंड ड्रेस मेकिंग से फिर हमने ऐड किया उसमें मोटरसाइकिल मैकेनिक फिर हमने ऐड किया ब्यूटिशियन फॉर गर्ल्स ये आप याद रखिएगा कि हम देही इलाकों में काम करते हैं जी जी, और ज्यादातर हमारा काम जो है वो गांव देहात ऐसी जगहों पे है क्योंकि इन बच्चों के पास कोई हुनर नहीं है फिर हमने इसमें कुछ हॉस्पिटैलिटी की भी ट्रेनिंग कराई आई टी में बच्चों को ट्रेनिंग कराई फिर हम गिलगित बल्तिस्तान में काम करते हैं तो वहाँ बहुत सारा फ्रूट जो है ज़ाया हो जाता है उधर हमने गरीब औरतों को इकट्ठा किया उनको तरबियत दी ताली, ए, क्या कहते हैं ट्रेनिंग दी ए, फ्रूट ड्राइंग की फिर उनको सामान लेके दिया और माशाल्लाह अब वो अपनी कमाई करते हैं तो ये इस तरह के मुख्तलिफ काम हैं कि जिन के, के जरिए से हम बच्चे और बच्चियों को कोशिश करते हैं कि वो अपने लिए कोई ना कोई दाल रोटी का बंदोबस्त कर सर आपका एक पैकेज भी है मैं चाह रहा हूँ वो भी दिखा दें ताकि लोगों को समझ आए कि आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं तो चल के एक छोटा सा पैकेज है वो देखते हैं फिर आके एडमिल साहब से बात करते हैं काम की मैं बेटी हूँ खिदमत के जज्बे से सरशार मेरे साथ कामयाबी की मिसाल होगा हर नौजवान मैं भी बनूंगा असरहदों का मुहाफिज़ मैं करूंगा स्कोर पाकिस्तान के लिए सब के लिए बेमिसाल बनूंगी ये है मुस्तबिल के मुस्तबिल अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो अपने बच्चों को पढ़ाना है मैं जिस स्कूल से पढ़ा मैंने उधर ही से मुआवनत के सफर का आगाज किया क्योंकि तालीम बुनियाद है तरक्की के सफर की। ये रोशन सितारे आज पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तालीम और तरबियत के साथ आज मैं और मेरे साथी बने इनके माम कल ये बनेंगे मुस्तबिल के माम इन पाकिस्तान के सौ से जायद सरकारी और नीम सरकारी स्कूल का मैारीस हज़ार बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाया हमने आपकी मामत से इस रमजान फाउंडेशन के साथ मिलकर बनाए मुस्तबिल के मौके अपने इलाके के स्कूल को अडॉप्ट करें और इन बच्चों की जिंदगी को मैारी तालीम से बदलें मजीद मालूम के लिए विजिट करें डब्ल्यू 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 डॉट एम एफ डॉट ओ आर जी डॉट पी के जी ऑन स्क्रीन इनके नंबर्स चल रहे हैं बैंक डिटेल्स चल रही हैं और आने वाले वक्त में अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी आए आ, लोगों में अकल आए आ, लोग अपनी मदद आपके तहत काम करें ये मैं आप हम सब बड़ी बड़ी जगहों पे बैठ के बातें करते हैं कि यार ये क्या है लोगों को सिर्फ खिला रहे हैं या लोगों को सिर्फ पैसे दे रहे हैं ये नहीं होना चाहिए लोगों को काम करना चाहिए लोगों को पढ़ाना चाहिए तो मोविन फाउंडेशन इज़ डूइंग दिस जो हम बैठ के बातें करते हैं लेकिन सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता ड्राइंग रूम टॉक से कुछ नहीं होता चाय के होटलों पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता भैया निकलना पड़ता है एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है इसी वजह से हम इतनी सारी ऐसी फाउंडेशन्स ऑर्गेनाइजेशन्स एन जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं रीज़न ये है कि मिलजुल के हम सब ये सब ठीक कर सकते हैं लोग अपनी मदद आपके तहत बेानतहा काम कर रहे हैं आ, बहुत सारे लोगों को उनके हवाले से इल्म भी नहीं होता पता भी नहीं होता सो आप सोचें कि सौ से ज़्यादा स्कूल हैं जिस पे इस वक्त मोविन फाउंडेशन काम कर रही है तीस हज़ार से ज़्यादा बच्चे आप सोचें आने वाले वक्त में वो तीस हज़ार से तकरीबन तकरीबन जो है वो नबे हज़ार हो सकते हैं अगर मैं आप हम सब मिलके इनको सपोर्ट करें सो लेट्स सपोर्ट मोवन फाउंडेशन से बातें ना करें सपोर्ट करें खुदा के वास्ते ये सारी जहालियत जो मैं अभी ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहा था ये सब चीज़ें सही हो सकती हैं जब लोग काम में लगेंगे लोग काम कर रहे होंगे फारग बैठे होते हैं फारग कहता ना खाली घर खाली दिमाग जो शैतान का घर होता है और कि गल् कर बढ़िया बढ़िया गल् कर लेनी है ने या तुम एटम बम बना लेना है उतरे घर च बह के पढ़ो लिखो काम करो अस यही चाहते हैं एनी वे सॉरी आसिफ भाई मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ सो so, uh, एक, एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है आपका सोसाइटी में uh, बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आई हर्ड अ लॉट अबाउट योर फाउंडेशन सक्सेस स्टोरीज़ भी मैं चाहता हूँ कुछ सक्सेस स्टोरी भी माशाल्लाह 2014 से काम कर रहे हैं सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 साल 10 साल में तो आपके पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ होंगी एक तो ये जो आपने बात की ना वो शायर कहता है शाकिर दर्द नाम है वो कहता है कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से वाह अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा क्या बात है करेंगे तो इनशाला रोशनी भी आएगी और ये जो आपने सवाल किया इसके लिए मैं जैसे आपसे अर्ज किया कि जो हम ये डिफरेंट लोगों को का मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको कि हमने दो पंद्रह से एक्चुअली काम शुरू किया 2014 से रजिस्टर हुए तो लास्ट टाइम मैं गया शेबूपुरा मेरा गांव है तो मेरे गांव से हमने शुरू किया लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं तो मैं कहता हूँ मेरे गांव से हमने शुरू किया है खाप मेरा पाकिस्तान है तो इस वक्त जैसे आपने इस वीडियो में भी वो बताया कि एक मोर देन वन स्कूल हैं जी से ले कराची तक फैले हुए हैं सो अल्लाह करेगा इन शी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो ये सक्सेस स्टोरी का मैं बताऊं आपको मैं गया अपने गांव में ये मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ तो एक लड़का जो मोटरसाइकिल मैकेनिक काम सीख के गया था तो मैंने उससे पूछा कि बे, बेटा अभी क्या कर रहे हो तो कहता है मैंने एक अपनी वर्कशॉप बनाई थी और अब जब मैंने ये कोर्स कर लिया है तो उसके बाद विदिन तकरीबन छः महीने में मेरी तीन वर्कशॉप्स हो गई हैं और मैं अच्छा भला कमाई करता हूँ अपने घर का मेरा खर्चा चलता है तो मैंने कहा बेटा पहले क्या करते थे कहते अच्छा सर कभी मजदूरी मिल जाती थी कभी नहीं मिलती थी तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ और बहुत सारी बच्चियाँ हैं ऐसी जिन्होंने काम सीखा है और अपना कुछ छोटा मोटा या तो कपड़े सीने का काम कर रही हैं या पार्लर का, का काम शुरू किया हुआ है तो हमने तकरीबन इन आठ नौ सालों में दो हज़ार प्लस बच्चों को शेखुबुरा की बात कर रहा हूँ ट्रेन किया और उनमें से तकरीबन एटी परसेंट या तो कोई कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं अपना को काम कर रहे हैं मे बी अबाउट ट्वेंटी परसेंट जो किसी अपनी मजबूरी से किसी और काम में लगे हुए हैं तो फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दू हजरत मेरे पास ब्रेक का वक्त हो गया है थैंक यू सो मच okay. मैं कोशिश करता हूं कि दोबारा आपसे रहा किया जाए थोड़ी सी और डिस्कशन की जाए बिकॉज यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब तो हम दोबारा एक रब्ता करते हैं आपसे और दोबारा से फिर हम बैठेंगे और कुछ मजीद बातें करेंगे फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक है ब्रेक से वापस आते हैं कहीं मेगा सलामकुम जी एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं वो क्या खूब बात कही है किसी ने कि अपने अपने हिस्से की शमा जलाते चलो तो जनाब हर कोई अपने अपने हिस्से की एक शमा जलाया जा रहा है जिससे जो हो सकता है वो इस माशरे के लिए इस मुल्क के लिए इस कौम के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं अलग अलग शोबे में अलग अलग आ, फील्ड में आ, लोग हर वक्त इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको दिया उसके हवाले से वो आगे तक लोगों तक पहुँचाएँ सो मेरे साथ इस वक्त दाऊद ग्लोबल फ़ाउंडेशन से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं इस्टबलिश इन टू थाउजेंड टेन ख़ास तौर से जो ये काम कर रहे हैं डी जी एफ़ नोन एज लीडर इन पाकिस्तान रिगार्ड्स वुमेन इंटरप्रन्योरशिप एंड गर्ल्स एजुकेशन जिसकी बेानतहा ज़रूरत है हमारे मुल्क में मेरे साथ गेस्ट भी हैं तारा उज़रा दाऊद प्रेसिडेंट हैं डी जी एफ की लेडीज़ फंड और मेरे साथ यहाँ पे नुमान शाकिर साहब हैं जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं डी के आप दोनों को मैं खुश आमदेद करता हूँ वेलकम ऑन द शो उजर जी के बारे में मैं आपको ये बता दूँ थोड़ी सी उर्दू कमज़ोर है लेकिन उसके बावजूद भी आप देख चुके हैं वीडियो कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो हेल्प आउट कर रही हैं सो so, सबसे पहले तो मेरा तारा जी आपसे ये सवाल है आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन के कम्युनिकेशन uh, का तो बड़ा मसला होता होगा आपको इट्स ट्रू आस्ते आस्ते थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा।, <laughs> थोड़ा, थोड़ा। so, कैसे कम्युनिकेट करती है? शाके आप हेल्प आउट कर रहे होते हैं बेसिकली uh, हम पूरी टीम जो है बेसिकली मैडम की डायरेक्शन पे चल रही होती है ठीक है और मैडम अपना विजन हमें शेयर कर देती हैं तो हम उसको फिर ऐसी अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे होते हैं और मैडम अपना जो ना जो उनकी लीडरशिप स्किल्स है माशा से वो थ्रू आउट जो है वो आपने देखी है और हम उनको मतलब के एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट्स सकते जब जो ये जो लैंग्वेज होती है बेसिकली ये दिल की लैंग्वेज होती है हार्ट होती है तो ये हार्ट मैडम के एक्सप्रेशन जो है वो फेस पे आते हैं और वो लोगों को पता लग जाते हैं कई दफ़ा अंडरस्टैंड दफ़ास्टेंड्सूटली एहसास जो है वो सारा कुछ कह जाता है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है बट सीरियसली क्या ऐसी चीज़ जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप स्पेशली फोकस ऑन वुमन एंटरप्रन्यरशिप उनकी एजुकेशन जिस पे आपने कहा कि नो आई ओनली वांट टू वर्क Were women in Pakistan. So, what was the inspiration? So, Hamara Foundation is founded in memory of Benazir Bhutto. Okay. So, when she passed, we then held the first ever awards for women in Pakistan history, the first Ladies Fund Awards, which was March 8, 2008. Sub in memory of Benazir Bhutto, who'd been my mentor, and I'd won her international fellowship at Harvard Law School. Wow. And so, we held awards for women, and then it began. And then incubation center for women, women entrepreneurship training, girl education. But we do trainings also for youth, uh, boys and girls. We have our ladies' fund entrepreneurship conferences. Always were boys and girls youth. So it's uh, we do for youth as well and for wheelchairs for anyone in need, food rations for anyone in need. Only the girl education is Thora specialized for girls. A little and, uh, entrepreneurship. Pe इन एडिशन आई बिलीव मैं थोड़ा सा बताऊं कि मैडम ने बेसिकली जो है बो, बोर्ड्स के अंदर डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन की तो मैंने ये देखा कि इन्होंने जो फीमेल का इंक्रेजमेंट था वो वुमेन बोर्ड्स के अंदर वो उन्होंने जो वक्रेज किया वुमेन बोर्ड के अंदर पहले जो है ना फीमेल बोर्ड्स में नहीं होती थी तो वो मतलब कि इनकी वजह से इनकी एफर्ट्स की वजह से वो जो है ना हाईलाइट हुआ और मेरे ख्याल से स्किल डेवलपमेंट और हमारी जो खुतिन हैं नो डाउट वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेसिस पर रहती हैं और वो बहुत हार्ड वर्कर होती हैं स्किल्स फुल होती हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं आई बिलीव दैट अपॉर्चुनिटी किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलती है अच्छा अभी ज़्यादातर किन इलाकों में काम कर रहे हैं? कराची या... हमने अभी तक जो है इंटीरियर के सत्ताईस डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है अच्छा जी अलहमदिल्ला और इसके अलावा कराची के अंदर हम डिफरेंट जो है ना उमर गोट और

Mm -hmm. Distributing wheelchairs, educating girls, and working with orphanages. So, and then we've done already Lahore and Islamabad. And next, Inshallah, in the summer, for the first time, we'll go to Swat, and Kalash, and so forth. Inshallah, <laughs> Inshallah. Or uh, obviously, when you're talking about uh, girls and women empowerment, so uh, education pe khas orsathar mein baat So, uh, do you see some kind of hurdles and problems while when you talk to, you know, parents. Uh, no, it's not talking to parents, but there are hurdles. For example, in Karachi, 70% of honor rolls are now girls. So obviously girls are thriving. But in Swat, we're the charity that found Malala's two friends, Shazi and Kanath, and brought them after nine months of being forgotten. They came to Karachi with their families. We gave them funding for their education. That's how Educator Girls started. And then the president, prime minister, honored them, gave them funding, and then prime minister Gordon Brown in the UK. Why this is significant is we are now paying for the education of one of um, Khanat's sister and cousins, and the school there in June was it had a, or was it September had a shooting. A security guard killed one girl, injured another. Just 2023, and so one of the dreams I have is to build a girls' school in Swat that's completely safe. You know so. Is not just the parents that you're talking about or culture or so forth, because the laws of Pakistan are for girl and boy education. Yeah. The issue is other factors. And uh, yeah. in rural areas, there's little funding, so sometimes one school is made. And if that school is segregated, it's a boys' school. So the girls don't have a school to go to. Yeah, it's not yeah. that the parents mind. This is what I want to ask, because uh, I know in certain rural areas, uh, they have some kind of mindset. दे don't want कि बच्चियां जो हैं वो स्कूल जाएँ बच्चियाँ स्कूल में पढ़ें आई नो लॉर्ड ऑफ हैपन इन सोआ बट अल्लाह का शुक्र है अब उस इलाके में भी बहुत सारी बेहतरी आई है अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर मैंने अभी आई रिसेंटली विजिटेड तो मैं देख रहा था कि यू नो छोटे छोटे बच्चे दे आर गोइंग टू स्कूल और बच्चियाँ और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के, के चलो ये एक सिस्टम यहाँ शुरू हो गया है बट ये वाकई बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी बिग चैलेंजलीटली अच्छा ये चैलेंज है ये बेसिकली मिल के कोलोब्रेशन के साथ एफर्ट्स के साथ होता है और हमें बेसिकली जो है वो उम्मीद है लोगों से पाकिस्तान के लोगों से कि वो बढ़ चढ़ के जो है लोगों को जो है ना सपोर्ट करें दाउथ ग्लोबल फाउंडेशन को सपोर्ट करें बिकॉज आई बिलीव के ये किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंप्लीट नहीं हो सकती है जो है इस पर हम सब मिल मिल के साथ जो है इस पर अपना हिस्सा डालें और, और आ, आ, हम चूंकि वो चला भी रहे हैं आप लोगों का अपने कहते हैं बैंक डिटेल्स और सारा कुछ। एब्सोल्युटली तो पाकिस्तान में जो लोग हैं वो तो आपको ऑबियसली भेज है सकते हैं जो पाकिस्तान से बाहर है आ, उनके लिए भी उनके लिए बिल्कुल हाँ बिल्कुल उनके लिए भी, फ्कुल भी फ्कुल हमारा यह सब चला हमारे पास जो है इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन का एक बकायदा सर्टिफिकेशन है जो है वो हमें बाय लॉ अलाउ किया गया है कि हम जो है बाहर से भी डोनर से भी मतलब तो कि पेमेंट ले सकते हैं तो वो हमारी इसी ब्रांच की उसमें बैंक में आएगी डिटेल आएगी और वो हमसे फॉर्म्स की डिटेल लेंगे वो हम उनको थ्रू कर देंगे अच्छा बिल्कुल वेरी इजी प्रोसेस बिल्कुल मैं अभी ब्रेक से पहले यही कह रहा था कि हम बातें बहुत करते हैं लेकिन आई थिंक हमें चाहिए कि हम uh, आगे बढ़ें सपोर्ट करें आई थिंक दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एनी मैसेज टू द व्यूअर्स एनीथिंग यू वांट टू ऐड एनीथिंग यू लाइक टू से देयर इज अ कैमरा सो वी वांट टू से दैट थिंक ऑफ अस फॉर zakat हमारा स्पेशलाइज इन both zakat sadqa and kharat And remember that if you give your zakat, we treat it as a manat, and all the Islamic principles of zakat are met, not only in our donation, but by the recipient. The recipient is zakat qualifying and zakat accepting, dono. So it's very, very important it's respected. Even when we do food rations, we have separate funds for each, so we never turn a needy person down, but we take it from different pools of fund. So please, Akebadeh, support Karesh. Bhai. आप भी ऐड कर सकते हैं अपनी जी मैं मैं ये कहूँगा कि रमज़ान का जो महीना है वो बाबरकत महीना है और आप जो भी इसके अंदर जो ना है ना कंट्रीब्यूट करते हैं उसका डेफ़िनेटली वो वैल्यू एडिशन और ये जो है ये बेसिकली तजारत है अल्लाह ताला के साथ बिल्कुल तो आप जो भी आप जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे वो इंशाल्लाह लोगों की फलाह के लिए काम किया जाएगा रमज़ानों में जैसे अफ्तारी के अंदर शहरी के अंदर हमारे पास इन्फ्लेशन के रेट जो है वो ट्वेल्व परसेंट थर्टी परसेंट पर पहुँच चुके हैं तो मतलब कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अच्छी अफ्तारी अच्छी शहरी करते हैं इवन तो वो बेहतर अफ्तारी अफोर्ड कर, कर ही नहीं सकते तो वो बेसिकली हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी क्योंकि उनके दस्तर खान को सजाएँ और उनकी जना उनके लिए एक अच्छा ऑर्गनाइज बिल्कुल जी और आप जैसे जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह पाक सब दे, पाक सबको सबको ख़ैर दे कामयाब करे अल्लाह तो प्रेज़ फॉर यू एंड आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप आएं तो आप कहें कि जी यू uh, नो you know, हमारे इतने स्कूल हो गए हैं और इतना सारा कुछ हम कर रहे हैं Inshallah. तो So, we pay for that, plus we do trainings, vocational trainings for jobs. We have regular educated Girl and Zakat. And so, and across, and we've done also the burn victims. All the burn victims uh, recommended from Smile Again Foundation, we're paying for their vocational training. Great. For Great. jobs. So, uh, Musarat is Yes, aap yes. Aap In beauty, makeup, uh, jewelry, and cooking. Very good. I think uh, collaborations, uh, is time for everybody to बिकॉज इन कोलेब्रेशन से एक दूसरे का भी फायदा हो जाता है बट थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आगे भाई uh, छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं सलामकुम जी आप सबको खुश आमदेद कहते हैं दीन और दुनिया के हवाले से हम फिर आपकी खिदमत में आ जाए कल भी बड़ा इंटरेस्टिंग uh, डॉक्टर साहबा जो है वो एक uh, हमारे पास टॉपिक लेकर आई नॉर्मली इन बातों पे बात होती नहीं और ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता जब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता तो जब कोई बात करता है तो लोग कहते हैं हैं क्या बात कर रहे हैं भाई ये क्या बात कर रहे हैं ऐसा कहाँ होता है ऐसा तो नहीं होता भाई हमारे बच्चे तो ऐसे ऐसे पल गए हम लोग तो गढ़े में भी गिरे चार दफ़ा कुछ नहीं हुआ सो <laughs> so, थोड़ा सा घर में जो एक पोल्यूशन है उसके हवाले से बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई कि सॉकेट्स होते हैं बिजली के टेबल्स होती हैं नोकदार कोने होते हैं चूल्हे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक yes. की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा जगहों पे लोगों ने सीढ़ियों के ऊपर दरवाजे लगा देते हैं स्पेशली ताकि छोटा बच्चा क्रॉल करता हुआ कि पढ़ों में ना हो जाए तो थोड़ा आप लोगों को भी ये बड़े थोड़े से चीज़ें होती हैं हर वक्त आप बच्चे के पीछे नहीं भाग सकते जब उसको पाँव लगते हैं कहते हैं जब बच्चे को पाँव लगते हैं तो फिर बच्चा पकड़ में नहीं आता तो आज आज उसी पे बात करेंगे या हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे असलम अच्छा मैं बड़ी ममनू हूँ अपने व्यूअर्स की कि जिस तरह कल के प्रोग्राम को लोगों ने अप्रिशिएट किया लोगों ने कहा कि जी ये एक आम सी बात है और बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ख़ास है हम जनरली अपने घरों को और अपने साथ रहने वालों की सेफ्टी का ज़्यादा फिकर फिकर करते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। हम कहीं सोचते हैं लेकिन अमल में हम कहीं पीछे रह जाते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद ये एक्सीडेंट्स हमारे साथ होंगे नहीं लेकिन जब होते हैं तो फिर बहुत रिग्रेट्स होते हैं कि ये कर लेते तो ऐसा होता तो लोगों ने कहा कि छोटा छोटी सी बात थी लेकिन काफ़ी लोगों को ये बात पसंद आई और उन्होंने कहा कि जी ये रिपीटडली लोगों की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए बात करनी चाहिए थैंक यू वेरी मच उन सारों के लिए जिन्होंने इस बात को इंडोस किया और अप्रिशिएट किया अच्छा एक और चीज़ जो हम घरों की बात कर रहे हैं कल हमने बात की खास तौर पर सेफ्टी की जिस तरह अभी फैसल ने कहा कि जिन घरों में सीढ़ियाँ होती हैं उस पर वो डोर्स लगा देते हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए इसी तरह जो शार्प चीज़ें होती हैं हम नॉर्मली चीज़ें उठा के ऊपर रख देते हैं हम कम्युनिकेट नहीं करते उनको समझाते नहीं हैं लेकिन चीज़ें मेरा ख़्याल है कि अगर एक दो लोग भी इस इन चीज़ों से थोड़ा फ़ायदेमंद हो जाएँ तो हमारे प्रोग्राम का फ़ायदा होगा एक और चीज़ जो हम कभी शायद सोचते भी नहीं है बहुत रेयरली हमें ये फ़िक्र होती है हमारे घर की जो इंडोर क्वालिटी है जिसमें हम सारा वक्त सांस लेते हैं ख़ासतौर से बच्चे और औरतें छोटे बच्चे जो ज़्यादातर अपना वक्त घरों में गुजारते हैं स्कूल जाने से पहले और वो ख़ातन जो जिनका ज़्यादा हिस्सा घरों में गुजरता है तो उनकी सेहत पे हमारे घर की जो क्वालिटी है वो किस तरह इम्पेक्ट करती है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए आजकल बड़ा इंटरेस्टिंगली रमजान है और हर घर में पकौड़े तले जाते हैं क्यों फैसल जी बिल्कुल पकौड़ों के बग़ैर हमारे दस्तखान जो हैं वो पूरे नहीं होते पकौड़े तलने का मतलब यह है कि बेतहाशा ऑयल जो है वो बर्न किया जाता है घरों के अंदर अगर थोड़ा सा आप अपने घरों में जाके और आपके जो एग्ज़ॉस्ट फैन या जो घर के चूल्हे के ऊपर की जो फिक्सर्स है उनको देखें तो उस पर एक मोटी मोटी चिकनाई की लेयर काफ़ी मोटी सी जमी होती है क्या कभी आपने उस लेयर को देख के सोचा कि ये हमारे लंग्स में भी जम रही होगी तो ये तो नहीं है कि आप पकौड़े तलना छोड़ दें या आप पकौड़े खाना छोड़ दें लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपने घर की जब आप कुकिंग कर रहे हो जहाँ पे ऑयल बर्न होता है तो कोशिश करें कि वो जगह वेंटिलेटेड हो अगर वहाँ पे कोई एग्जॉस्ट का इंतज़ाम नहीं है तो घर के खिड़कियाँ और दरवाज़े खोल लीजिए पंखे चला लीजिए ताकि आपका जो फ्यूम्स हो रहे हैं जिसमें जो आपके लंग्स में भी वो सारे ऑयल जो है वो जमा हो रहे वो कहीं डिस्पर्स आउट हो जाए कुछ छोटे मोटे प्लांट्स लगा लीजिए अगर आपके घर में कहीं धूप आती हो तो वो भी एक अच्छी रेमिडी है आपके घर को क्लीन एयर रखने के लिए अच्छा इसमें एक और मैं देख रही थी पढ़ रही थी कि एक जो चीज़ हमारी नज़रों से नहीं गुज़रती वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं मॉइस्चर पार्टिकल्स होते हैं जो हम मुस्तकिल मुस्तकिलेल करते हैं यस yes, जो कंजस्टेड जगह हैं जो ट्रैफिक कंजस्टेड जगह है अगर आप पुराने कराची में चले जाएँ जहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है वहाँ ये पर्टिकुलर मैटर का बहुत बड़ा इशू है लेकिन हम अपने घरों को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हमारे घरों में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं माइक्रो पार्टिकल्स हैं 2.5 माइक्रोन के वो हमारे लंग्स में डीपली चले जाते हैं और आप देखें बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है इस्थम हो जाता है हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं लेकिन अपने घरों को रिविज़िट नहीं करते कि जो हमें सांस की मुख्त बीमारियाँ हो रही हैं हमारे गले ख़राब हो रहे हैं उसकी बेसिक वजह क्या है हो सकता है कि आपके घरों में जो डस्ट पार्टिकल्स हों वो बहुत ज़्यादा हों कहीं सेटल हो रहे हो हमारा झाड़ू देने का रिवाज है जो हम सेटल डस्ट को डिस्पर्स कर देते हैं दोबारा इन्वामेंट में बेटर है कि आप उसको वैक्यूम कर लें या दूसरी चीज़ों का तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमारी सांस के साथ हमारे लंग्स में चले जाते हैं और वो काफ़ी मुजर सेहत होते हैं इसी तरह अगर आप देखें स्पेशली आजकल ईद का ज़माना है और बहुत सारे टेलर्स जो हैं वो बड़े बिजी हैं कपड़ों का एक छोटा माइक्रो फाइबर्स होता है वो जी जी। फाइबर्स जो हैं वो कारपेट के अंदर भी होते हैं कपड़ कपड़ों में भी होते हैं न जी जी। और बास कपड़ों में अब जो टेलरिंग शॉप है जो टेलर जिसका सारा दिन काम कपड़े काटना और सीना है तो उसके जो छोटे छोटे माइक्रो फाइबर्स होते हैं वो इनहेल कर रहे होते हैं और मेरा खुद मेरा अपना जो टेलर था उसको 63 दे, 65 डेज ऑफ द ईयर उसको फ्लू सा रहता था नजरा रहता था उसको मैंने कहा कि जी जो तुम कपड़ों का तुम्हारा है किसी ऐसी जगह पे कपड़े सिया करो जो वेंटिलेटेड जगह हो जहाँ पे कपड़ों के जो माइक्रो फाइबर है वो आपकी सांस में मास्क भी यूज नहीं करते कर ना स... लोग पहले आपने देखा होगा झाड़ू देते हुए कपड़ा बांध लेते थे मुंह पे पानी मार के झाड़ू दिया जाता था सुबह आप देखिए हमने क्या किया अपनी आसानियों को हम जो सेफ्टी गेजेस है ना मॉडर्न बनने के चक्कर में हमने बहुत सारी पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया जबकि पुरानी चीज़ें ज़्यादा हेल्थ फ्रेंडली होती थी जैसे आपने कहा कि जी वो सहनों में पानी का छिड़काव और उसके बाद झाड़ू या कपड़ा बांध लिया या जो टेलर्स हैं जो काम कर रहे हैं या दूसरे लोग जो हैं इवन अगर आप मार्बल के लोगों को काम करते देखें वो बेचारे ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं ना उन्होंने मास्क पहना होता है ना उन्होंने कोई सेफ्टी ग्लाव्स या गॉगल्स लगाए होते हैं तो ये सारी हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुजर है आप देखें इसमें सबसे बड़ा जो आप अगर आप अपने आसपास देखें बाहिर आपको ये लगता है कि हम बहुत सेहतमंद हैं सबसे बड़ी जो कंसर्न है एजिंग अगर आप पोल्यूटेड इन्वामेंट में रहें तो आपकी जो एजिंग फैक्टर है वो बहुत फास्ट होता है आपकी स्किन डिजीज़ेज बहुत सारी दफ़ा आप कहते हैं कि हम तो सब कुछ करते हाथों में खुजली का हो जाना ख़ारिश हो जाना इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों के साथ आपका सांस के साथ बच्चों का इज्तम हो गया हाई ब्लड प्रेशर लंग्स की बीमारियाँ चीज़ें ये सारी आ, शायद आपको बहुत बड़ी बीमारियाँ लगती होंगी कि मैं शायद कोई ऐसी बात कह रही हूँ कि जी घरों में नहीं रहना चाहिए लेकिन अगर आप अपनी सेहत को अपने घर के इन्वामेंट से कोरिलेट कर लें तो आधे से ज़्यादा दवाओं को आप छोड़ सकते हैं आपका हाई ब्लड प्रेशर आपकी शुगर आपका लाइफ स्टाइल बहुत डिपेंड करता है अगर आप तो किसी क्लीन एयर में थोड़ी देर के लिए ब्रीथ कर लें सांस ले लें तो आपके बहुत सारे लंग्स के प्रॉब्लम और सबसे बड़ी जो रेमेडी है आपके लिए वो पानी का पीना जितना ज़्यादा पानी पीएंगे आपके सिस्टम का फ्लशिंग होती है एक और चीज़ जो हम कल बात कर रहे थे कि हमारे जो घर एक कैप्सूल बन गए जिसमें सनलाइट नहीं आती जी। तो मैं एक आर्थोपैटिक को जानती हूँ उसने कहा कि जी एक चीज़ नुज़त अगर तुम कर सकते हो तो ज़रूर करो स्पेशली वो लोग जो हिजाब पहनते हैं उनका सन लाइट में एक्सपोजर नहीं होता तो इस वक्त 20 बीस बाईस पच्चीस साल की लड़कियों को जोड़ों में दर्द या अर्थोराइटिस की शिकायत करते हैं वो शिकायत और सांस की भी शिकायत होती है क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड अपने मा हिजाब पहना है और वो कंकनटिन्यूसली आप रीब्रीद करें शायद किसी को मेरी बात ज़्यादा पसंद नहीं आई लेकिन ये रियलिटी है जब आप अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिब्रीद करेंगे और आपका नॉर्मल सनलाइट में एक्सपोजर नहीं होगा तो आप दावत दे रहे हैं बहुत सारी बीमारियों को आप ये कोशिश करें कि दिन का कुछ हिस्सा आप नॉर्मल कपड़ों के साथ अपने सूरज की रोशनी में आप बैठें जिससे आपको विटामिन डी मिले और आजकल पाकिस्तान में बड़ा कॉमन सा फिनना है कि खातन में विटामिन डी की उमेल में भी, भी बहुत कमी है जबकि हमारे पास सन मौजूद है तो कोशिश करें कि अपने ही घर के किसी पोर्शन में थोड़ी देर के लिए आधा घंटे के लिए फोर्टी फाइव मिनट्स के लिए नेचुरल सन लाइट में आप जरूर एक्सपोज लेकिन टाइम तो बताया ना दोपहर में तो नहीं निकल के बैठ सकते नहीं सुबह हाँ जब थोड़ा सॉफ्ट सन हो ना जिसकी तेज़ ना हो वो बहुत ज़रूरी है दोपहर में तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते सुबह के वक्त अब अपने घर का कोई कोना कोई खिड़की जहाँ धूप आती हो वहाँ अपने आप को एक्सपोज करें तो आप विटामिन डी के डोजेस ले लें पानी पिए फ्रेश एयर में आप ब्रीथ करें और ये बहुत पूरे दिन की नहीं है आप किसी ऐसी जगह झाड़ू लगा लें जहाँ पे सुबह में झाड़ू सन आ रहा हो आप अपना काम भी करते जाएँ कपड़े भी धोते जाए और आपके साथ सन की भी रील देख लें एग्जैक्टली रील भी देख लें या घर के कोई काम कर लें तो वो एक आपकी एक एक नेचुरल रेमेडी है आपकी तो उसने कहा कि जी आप ये बच्चियों को समझाइए कि आप ज़रूर पहनें जो आपको आप, आपके रिलीज़स आप करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए अपने आप को नॉर्मल एयर में एक्सपोज ज़रूर करें बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है घरों में कोशिश करें कि आपके वेंटिलेशनस होने चाहिए खिड़कियाँ होनी चाहिए आपकी डे लाइट को आप यूज़ करिए और आपका जो एयर क्वालिटी है मतलब उसमें चाहे वो डस्ट हो स्प्रेज uh, हो uh, घर की कुकिंग का जो आपका ऑयल बर्न हो रहा है इन सब चीजों से आप अवॉइड तो नहीं कर सकते लेकिन आप उनको मिनिमाइज कर सकते हैं वेंटिलेशन के साथ बिल्कुल खिड़की दरवाजे खोल लीजिए पंखे चला लीजिए खाना पकाते हैं छिपकलियाँ आएंगी निकल जाएंगे उसका वो छिपकलियाँ वैसे भी आ जाती हैं वो अपना रास्ता बना लेती हैं आप दरवाजे खोले ही नहीं खोले खिड़कियाँ खोले नहीं खोले छिपकलियाँ कॉकरोचेस तो कहाँ से आते हैं ये आपको नहीं पता वो नहीं पता मुझे क्यों नहीं पता पहुँच जाते हैं कहीं ना कहीं थैंक यू सो मच कल बात करते हैं आपसे के छिपकलियों को कैसे रोका जाए <laughs> मजाक <दाग> कर रहा हूँ <laughs> मेरी स्पेशलिटी आ... नहीं है छिपकलियों की नॉट एट ऑल छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते okay, हैं ओके जी थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम और मज़ेदार अफ्तार में जो मज़ेदार अफ्तार का पहला सेगमेंट होता है उसमें आपको खुश आमदेद और हाथ धोएंगी आप पहले बिल्कुल <laughs> Skincare, लेते हैं और हम इसको करते हैं और, ये, ये. इस से, से आपकी smooth, और दे महकती खुशबू आज क्या बना रही हैं आप आज हम बना रहे हैं नोर्लो नॉर्थ अल्फ्रेडो नॉर्फ्रेडो अच्छा हाँ नूडल्स के साथ बने अच्छा आज नूडल्स के साथ बने जी ठीक ठीक है, थीक है, जबरदस्त चले जी हमारा डेटॉल हो गया है, अब हम आ जाते अपने किचन में नॉर में बेवकभूख का बेस्ट एंड सीक्रेट सोल्यूशन ठीक है ये आ गया हमारा अच्छा आज हम बना रहे हैं इज नॉर का चटपटा नूडल्स के साथ है एल्फ्रेडो पास्ता टाइप बना रहे हैं हम जिसमें हमने चिकन लिया है बॉइल्ड लाइक 250 फिफ्टी ग्राम्स है दूध है इसके अंदर नट मैग है जैफल ठीक है कॉर्नफ्लावर है चिकन पाउडर है जो कि असली चिकन का मजा है इसमें नोर का एंड कैप्सिकम है बे लीफ है जिसको तेज पात बोलते हैं और चीज़ है चेडर आप लोग मोजरेला भी ले सकते हैं और एक अनियन है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम नूडल्स को पहले बॉईल कर लेंगे इधर रख देते हैं इसको हम इसमें पानी डालेंगे फ्लेम ऑन करेंगे पानी हमने ऐड कर दिया और अब हम इसमें डाल देंगे अपना चटपटा नूडल दिस इज माय फेवरेट और आपको पता है इस रमजान सबसे बेस्ट इसकी डील आई हुई लाइक जस्ट इन थर्टी रुपीस ये हमने डाला इसमें अच्छा एक साशे हम यूज करेंगे इसके सॉस बनाने में दूसरा पैकेट भी हम खोल देते हैं इसको जस्ट टू मिनट्स इनका म्योनेज है इनका लाइक कैचअ है लाइक दसर खान का पकौड़ो का हमारा बेस्ट जिसे कहते हैं ना पार्टनर है और इनका हेलमेंट का म्योनेज है जो कि वो भी बहुत जबरदस्त है बिल्कुल रेस्टोरेंट का सीक्रेट है घर बैठे रेस्टोरेंट का मजा लीजिए बर्गर में डालिए सैंडविचेस में सैलड्स में फ्राइज में वट एवर आर मेकिंग वो सब के लिए बेस्ट है दिस हेलमेंट म्योनेस चलिए जी इतने हमारे नूडल्स बॉयल हो रहे हैं वट आई हैव टू डू हम क्या करते हैं हम इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल डाला अराउंड वन टेबल स्पून ठीक है हमने इसमें वन टेबल स्पून डाला अब हम इसमें क्या करेंगे हमने थोड़ी सी जो अनियन ली हुई हम इसको थोड़ा सा सोते करेंगे ठीक है इसको हमने अनियन को सोते करना है और साथ साथ हम इसके ये एक बेलीफ ऐड कर देंगे इसमें ठीक है ये हमारा इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे इतने हमारे नूडल्स बॉईल हो रहे हैं इसको हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं लाइक दिस फोर पीसेस में इस तरह से अच्छा इस जब ये नूडल्स बॉईल हो जाएंगे फिर मैं इसका एक वाइट सॉस बनाऊंगी अल्फ्रेडो ठीक है वो चीज़ होगा उसमें दूध होगा ब्लैक पेपर होगा थोड़ा सा डिफरेंट सा यू नो बहुत मज़ेदार सा ये बनता है एक अल्फ्रेडो चले जी ये हमारा बेलीफ एंड अनियन को हमने सोते करना है ठीक है बेलीफ और अनियन हम सोते करें हमारे नूडल्स तैयार हो रहे हैं जैसे बॉयल हो जाएंगे हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसका एक्सेस जो वाटर है वो निकल जाएगा स्ट्रेनर में फिर हम इसका एक वाइट सॉस बनाएंगे ल्फ्रेडो सॉस चीजी सॉस ये बहुत डिफरेंट बनता है बहुत मजे का बनता है डू ट्राई क्योंकि वैसे ही नॉर्ड वालों की जितनी भी चीजें है, सारे हैं वैसे हमारे दस्तर खान की जान है है तो सब कुछ है जैसे सैरी अफतारी से लेके सैरी का जो बीच का जो टाइम होता है ना उसे जो भूख लगती है बेबक भूख तो इसका मैजिक सोल्यूशन है कनौर नूडल्स अच्छा जी हमारे नूडल्स बॉयल हो गए हैं ठीक है इसको हमने जस्ट टू मिनट्स इट्स डन हम इसको थोड़ा सा फ्लेम इसका वो कर देते हैं हम इसको कर लेते हैं स्ट्रेन और हम यहाँ रखते हैं और पैन इसका हम थोड़ा सा लो करते हैं हम ताकि व्हाइट सॉस बनाएं इसको मैं स्ट्रेनर में डालती हूँ इतने ये और इसका एक्सेस वाटर निकल जाता हम इतने वाइट सॉस बनाते हैं चलें जी इसमें हमने डाला ऑयल वे अराउंड वन टेबल स्पून चले जी हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं हमारी अनियंस एंड बेली चौथे हो गया ये हमने एक पैन में ये डाला अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्लावर मैदा ठीक है इसमें हम मैदा को थोड़ा सा रोस्ट करना है अराउंड टू टेबल स्पून थोड़ा सा हम इसको रोस्ट करेंगे इसमें क्यों करके थोड़ा सा जब कलर इसका चेंज हो जाएगा तो वट आई हैव टू डू आई हैव टू एड इन मिल्क इसमें मिल्क चला जाएगा ठीक है इसमें मिल्क चला जाएगा चले जी इसमें मिल्क चला जाएगा इसको हम आराम आराम से फोल्ड करेंगे यूं करके ताकि इसका जो कंसिस्टेंसी है हमें थोड़ी सी गाड़ी चाहिए ठीक है मैं लेती हूं इसमें ये स्पैचुला बिकॉज दिस इज दी स्पून लाइक स्पैचुलाज हो गए जब भी आप लोग कोई नॉन स्टिक पैंस यूज करते हैं जस्ट प्लीज रिमेंबर दिस के हमेशा स्पैचुला यूज करें ताकि इससे क्या होता है कंटामिनेशन नहीं होता वरना अगर हम लोग स्टील के चमचे यूज करेंगे या कोई भी डिफरेंस uh, है तो उससे क्या होगा स्क्रैचेस पड़ेंगे दिस इज रियली हार्मफुल फॉर हेल्थ हमारे पैंस भी खराब होंगे तो इट्स बेटर टू यूज वुडन स्पून या फिर स्पैचुलाज ठीक है ये हमारा सॉस जो है वो रेडी है ऑलमोस्ट हल्का सा उसकी कंसिस्टेंसी हमने गाड़ी रखनी है चलिए जी अच्छा ये जो हमारा अनियंस था अच्छा अब आ जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन पाउडर असली चिकन का मज़ा ठीक है ये जाएगा इसके अंदर ये हमारा हो गया देखें ये कंसिस्टेंसी होगी एल्फ्रेडो सॉस की ठीक है अब इसमें हम ऐड कर देंगे चीज चीज इसमें ऐड होगा अराउंड टू टेबल स्पून ठीक है चेडर चीज है आप लोग मोज़रेला भी ले सकते हैं एंड हाईली अप टू यू ठीक है ये हो गया अच्छी तरह इसको मिक्स करना है स्टेरवेल well. हमारे नूडल्स हैं यहाँ पे नूडल्स हमने इसके अंदर डाल देने लाइक like दिस इसको मिक्स करें नूडल्स के साथ चीज के साथ चिकन पाउडर असली चिकन का मजा और ये आ गए हमारे चिकन क्यूब्स लाइक श्रेडेड चिकन जो हमने बॉईल करके रखा था वो हमने इसमें ऐड किया है ठीक है और ये हमारा आ गया कैप्सिकम हम इसमें अनियंस में डाल देते हैं जो हमने अनियन सोटे करके रखा था ठीक है और ये आ गया नट मैग नथमैक को थोड़ा सा हम इसमें क्रश करेंगे सिर्फ वन पिंच नॉट मोर देन दैट इसका सिर्फ हमें अरोमा टेस्ट चाहिए होता है दैट्स इट चले ये हमारा हो गया हम इधर आ जाते हैं ये हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं इसको थोड़ा कैप्सिकम्स अनियंस और बेग के साथ हमने इसको सॉते करना है ठीक है और फिर हमने क्या करना है इसको सॉटे करके हमने ये चीज इसके अंदर ऐड कर देना है ठीक है अब ये जो हमारा ये था हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे लाइक दिस हाँ, इतना अच्छा रोमा आ रहा है चले जी ये हमारा इसके अंदर ऐड हो गया इसको जल्दी जल्दी से हमने स्टर फ्राई करना है और अब हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर हाफ अ सैशे ठीक है हाफ सैशे हमने इसका वो आ, जो हमने चटपटा नूडल का जो पैकेट होता है अंदर मसाला वाला वो हमने इसमें हाफ पैकेट यूज़ करना है और हमने इसको जल्दी जल्दी थोरेली स्टर्व फ्राई करना है चलें जी ये हो गया हमारे एल्फ्रेडो नूडल्स नॉर्का दसर ख़ान की जान अवतार की जान चलें जी एम दिस इज डन अब हम इसको हम सर्विंग प्लेटर में सर्व करते हैं चलें जी ये हमारा एल्फ्रेडो नूडल्स तैयार हो गए चटपटा नूडल्स से रेडी हो गया है बहुत मुबारक हो खुशबू ने जो है ना वो पूरे सेट को हिला दिया है <laughs> जी एक सन्नाटा सा छा गया है सेट के ऊपर अब भूख भी लगती है ना इस टाइम ये ऐसा टाइम होता है बीच के टाइम जैसे यू नो अवतारी से सहरी के बीच का टाइम जो होता है जब बेवक जो भूख लगती है वो हमें आ, ये नूडल्स हमारी वो भूख पूरी कर देता है तो इसलिए अभी भी हमारा टाइम नहीं हो रहा है ना अवतार होने ही वाला है बहुत टाइम है अभी बहुत टाइम है <laughs> लेकिन चलें कोई नहीं कोई नहीं मजेदार चीज आपने बनाई है जी उल्मा खाएंगे अब दूसरी अफतार में देखते हैं क्या बनता है एग्जैक्टली exactly. आज आप होंगी दूसरे अवतार में या नहीं समरीन इज बैटर ग्रेट ठीक हो गया थीक. हम छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे आप से कल मुलाकात होगी हम जा रहे हैं ब्रेक पे ब्रेक से वापस आते अल्लाक जी आप सबको को खुश आमदेद कहता हूँ महकती कलियाँ के साथ और प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं आप सबको अल्लाम वेलकम ऑन द शो कैसे हैं सब आले आज, आले कुछ, आले। आज कुछ आज कुछ नए चेहरे भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सो वहाँ से हम शुरू करते हैं ये माइक दीजिए बहन को वहाँ से नाम नाम से शुरू करते हैं और फिर बातचीत शुरू करते हैं अल्लाम आपका नाम अक्सर कैसी हैं आप ठीक है क्या सुना रही हैं आप हमें सुनाइए बिल्कुल बिस्मिल्लाह कीजिए नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह

कर दिन का दिन तो रमजान क्या बात है क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह बहन को दीजिए सलामकुम सलाम कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं जी आपका नाम क्या था मेरा नाम दुआ था हाँ था अब क्या है आज क्या है अभी भी दुआ ही है अभी भी दुआ ही है अच्छा दुआ क्या सुना रही हैं आप हमें मैं आपको स्पीच अच्छा सुनाइए मेरे प्यारे फैसल भाई

बा कहा बानी इस्लाम आ रहा है ता कहा ताजदार मदीना आ रहा है सा कहा सर्वत वाला आ रहा है जिन ने कहा जलील कदर आ रहा है हा कहा बीबी खुदा आ रहा है पा ने कहा खातिम नबी जिन आ रहा है दाल ने कहा दोनों जहां का वली आ रहा है जाल कहा जालिकल किताब वाला आ रहा है रा कहा रहमतुल आलमीन आ रहा है जाने कहा जमाने का इमाम आ रहा है सीन ने कहा साकी को सर आ रहा है शीन ने कहा शाफी महशर आ रहा है स्वाद ने कहा सादिक को अमीन आ रहा है दौर ने कहा जहीपों का मौला आ रहा है तो ने कहा ताहिर व तैयब आ रहा है जो ने कहा जुर्म को मिटाने वाला आ रहा है इन ने कहा अरब का मौला आ रहा है गैन ने कहा गरीबों का पावी आ रहा है पान का फाक फकीरों का फकीरों का मौला आ रहा है काम ने कहा कुरान पढ़ने वाला आ रहा है काम ने कहा कमली वाला आ रहा है ला ने कहा लोज उठाने वाला आ रहा है भीम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है हा ने कहा बीवी खुदा आ रहा है हमजा ने कहा का मौला आ रहा है या, था, या तो और की शान वाला सुभान अल्लाह बस अब अगली दफा पढ़े ना तो आ रहे हैं कर लें ठीक है और कमली वाला जो है वो तो वो है ठीक है सो मैंने कहा थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा जी ये क्या हाल है आपके तो तो वहाँ से कर लेना फिर तो आप बातें ज्यादा करती हैं ब्रेक हो जाता है फिर नहीं होगा ब्रेक अच्छा जल्दी से सवाल कर लो फिर मैं मैं आपको ना सुनाना चाहती हूँ लेकिन आधी सुनाऊंगी ताकि सबकी बारी आई बड़ी नवाजिश आपकी आपको यह ख्याल आया जी बिस्मिल्लाह पुछला परी के छोटे से, से दिल में, में रहता है वो, वो जो जो सबसे बड़ा से है।, है वो ही खुदा है वो ही खुदा है बचाए उसने ही आंधी तूफ़ान बनाए और वही हमको उनसे बचाए वो, वो कौन है जो मालिक के सब का वो कौन है जो मुश्किल खुशा है वही क्या बात है आप क्या सुना रहे हैं भैया आपसे एक सवाल पूछना पहले बात कर लू ना फिर आते हैं जी आपका क्या नाम है ज़ैन नहीं यार कल कल कुछ और था ये उससे छोटा है हाँ। ये सारे एक वो जैसे एक जैसे खाना नहीं है आइसक्रीम नहीं है माइक है अगर तो क्यूँ बोलने जी भाई मुझे आपसे सवाल पूछना मेरा कल भाई तो वो वो ज़्यादा बड़ा बड़ा है या वो बड़ा है या मैं मैं सही जवाब थैंक यू आगे अस्सलाम वालेकुम सलाम आपको नाच बताना चाहता हूँ आप नाम तो बताएं पहले अपना अहमद शहजाद अहमद आप वो पता एक बड़े क्रिकेटर भी है एक तो बिस्मिल हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कला में इलाही दिया जिसने लाकर

बान अल्लाह आगे दीजिए भाई को अब सवाल अब सवाल वो क्या किराए पे आया वो भी तो बच्चा खुद नहीं। आया खुद नहीं। आया जी सलामिया नहीं। नहीं। सलाम आपका नाम मेरा नाम मोहम्मद उस्मान नदीम है जी उस्मान भाई क्या सुना रहे हैं मैं ना सुना सुनाऊंगा माशाल्लाह सुनाइए इस्माइल्लाहीर्रोहमानिर्रोहिम सल्लल्लाहु अलैक्या या या र

ये देखें इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है आप लोग जब इस तरह की हैं जो गानों पे बनाई जाती हैं तो बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं तो इसीलिए मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ मेरी कराम से भी ये गुजारिश है कि थोड़ा सा आप लोग भी इस पर काम करें अब ये भी गाना है देख मेरा जी सवाल पूछ लें आप अच्छा उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हैप्पी डोनट्स जो हैं वो आप सबके साथ जाएंगे यहाँ जो हैप्पी डोनट्स मौजूद हैं और ये मोलम टैब है ये भी आप लोगों के साथ जाएगा ये आ, आपको मिल चुका है क्या हो गया जी क्या मोहल्ले में बेचना क्या तुमने हाँ, नहीं अच्छा आ, मैं बोल रही हूँ वो वो कौन सा घर है जो सीमेंट से नहीं बनता है चिड़िया होगा फिर फिर वो ब्लॉक्स वाला घर बनता है ना वो वाला चिड़ियाओं का घर भी सीमेंट से नहीं बनता जी ब्लॉक्स वाला ये ब्लॉक्स के पीछे पड़ी हुई है बच्चों की दीनी और अखला की तरबियत के लिए बेहतरीन डिवाइस है अहसन कलाम की तरफ से और आपने बड़ी प्यारी जो है वो तिलावत की माशाल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे ये आपके साथ जाएगा बाकी हैप्पी डोनट्स की तरफ से ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रीट है हाँ ये लें आपके लिए खाइए अफ्तार के बाद खाइए खाते जाइए कल ये एक, एक एक्स्ट्रा चाहिए मुझे जी ये आपके लिए हाँ ये कल एक एक्स्ट्रा चाहिए मुझे ये आपके लिए का है? जी आ, आपके लिए और आपके लिए भी और आपके लिए भी है कौन रह गया कनैन को नहीं देना छोड़ो कनैन खाती है नहीं हमें जया करती है ये आपके लिए और कनैन ये आपकी तरफ से मेरे लिए थैंक यू सो मच हम जा रहे हैं ब्रेक हैं क्या नहीं आपने मुझे दिया है ना अरे मुझे दे दिया ना तुमने छोड़ो अरे नहीं ना छोड़ो अरे हम जा रहे हैं ब्रेक पे ब्रेक से वापस आते हैं कहीं मत जाइएगा विल बी राइट बैक जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको खुश आमदेद कहता हूं हूँ जेर जबर में आ, कल हमने आ, सवाल किया था आ, बहुत आसान सा सवाल था वो और किधर गया हाँ ये जी डेल एंड डेल और एमपी की जानिब से रोज़ाना हम आपसे सवाल कर रहे हैं उसके में जब आपके जवाब आएंगे तो वो हम एक कुरानदाजी के थ्रू लैपटॉप आप लोगों के लिए निकालेंगे दो लोगों के लिए कल का हमारा सवाल था कि इस्लाम से पहले ख़ान काबा में कितने बुत थे तो सही जवाब है 360 और आज का सवाल नोट कर लीजिए डेल और एमपी की जानब से आज का सवाल है, है? हाँ डेल और एम एन पी की जानब से आज का सवाल है मुसलमानों की पहली मस्जिद कौन सी थी मुसलमानों की पहली मस्जिद कौन सी थी जवाब देने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे चल रहे होते हैं और इसके साथ ही आ, हमारे जो इस्पॉसर्स हैं जैसे ये जेर ज़बर और हमारा जो आ, मुझे कुछ कहना है उसके जो विनर्स होंगे उनके लिए आ, हमारे पास ओजी डेवलपर्स की जानब से Uh, uh, बहुत सारे इनामा हैं जिसमें बाइक है लैपटॉप है एल ई डी है uh, इस टूर्नामेंट में और ओ सी डबलपर्स का कहना है क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसिस दर इंस्पायर एंड एलिवेट और uh, हम uh, पहले चलेंगे वीडियो की तरफ असल मैं आप लोगों का तारफ़ तो करवा दूं और uh, आप लोगों में हमारे साथ आज एहसान अल्लाह है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से सरगोदा से आएँ आप कब आएँ कल आए थे फिर ठीक है बशीर फातमा है लम्स जाम शोरों से आपको भी खुश आमदेद कहते हैं और हारून रजा हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद से जी। मैं क्या पैन कंट्रोल रखना जुकता नहीं लानी है ठीक है ना फैसलाबाद का नाम सुनते ही जो है ना वो ऐसा लगता है कि अभी कोई ना कोई बात आ जानी है दिल चाहवे तो कह देना कोई गल नहीं तलह अनवर हैं हमारे साथ फ़र्स्ट टाइम uh, किसी भी uh, शो में जज का हुए हैं एज अ डिबेट के लिए आपको हम खुश कहते हैं बहुत शुक्रिया फैसल भाई और माशा रंग लग गया आपको भी जिस तरह एक मिथ आपने तोड़ी थी कि सिर्फ ख़वान ही मॉर्निंग शोज़ कर सकती हैं तो अब वो रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आके आपने मैथ कुछ देख रहा था आपके सेगमेंट्स और जिस तरीके से आप बड़ा कनेक्टेड होते हैं इन्वॉल्व होते हैं तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला कबूल फरमाए इस इसमेष को आमीन थैंक यू सो मच और हमारे इंजीनियर साहब तला भाई यहाँ पे मौजूद हैं शहबाज साहब यहाँ पर मौजूद हैं आप दोनों को हम खुश कहते हैं इस सेगमेंट में आप लोगों का काम सिर्फ ये है इसमें ज़्यादा काम नहीं है इसमें सिर्फ काम यह आप लोगों का कि आपने मुझे बताना है कि घंटी किसने बजाई है और कहीं कहीं आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा जैसे हैंड्स होते हैं कुछ चीज़ों के अच्छा तो उसमें मैं आपकी तरफ देख लूँगा कि अगर बच्चों को आपकी ज़रूरत हुई तो पहले हम आपको ऑडियो सुना दें वीडियो है जी ये अमजद की लास्ट लाइव वीडियो है आ, जो प्रोग्राम था मैं सवाल पूछूंगा और आप बजर दबाएंगे ये वीडियो कब की है सी आखिरी इनका जो आ, हाँ, दिन, हाँ, दिन शहीद हुए थे ये। क्या 22 जून 2016 16 रमजान बिल्कुल सही 16 रमजान की सहर है बिल्कुल सही शहीद अमजद साबरी के वालिद साहब का नाम पता बहुत मशहूर बहुत बड़ा नाम कवाली के हवाले से अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम था। नहीं जवाब आता जी फरीद साबरी बिल्कुल सही जवाब क्या बात है गुलाम फरीद साबरी साहब शहीद अमजद साबरी को कब शहीद किया गया जी सोलह रमजान डेट याद है आपको जी नहीं वो जवाब तो दे दिया उन्होंने सही जवाब दिया ठीक है जी आ, इस वीडियो में जो एंकर बैठे हैं उनका नाम बता सकते हैं कौन है सी कुतब भी। क्या बात बिलाल भाई है यार आप बड़ा मिस कर रहे हैं आपको इस कलाम में सब्ज गुंबद से क्या रोजा मुबारक बिल्कुल 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 सही जवाब अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे रेडी रहिएगा दुनिया का पहला एटम बम जापान के किस ए किसाथी क्या उसके साथ भी कुछ जोड़ा है अगर आधा है। दुनिया का पहला एटम बम जापान के किस शहर पे गिराया गया हिरोशिमा हिरोशिमा नागा नागा हाँ। दोनों ही दोनों ही है, दोनों ही है। हाँ। हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम का नाम क्या था बिल्कुल सही जवाब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कब फिजाई हमला करके तबाह किया गया 11 सितंबर 2001 बिल्कुल सही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाह की गई इमारत कितनी मंजिला थी 61 110। एक सौ दस जी वीडियो दिखाएं. बार बार एक बात कह रहा हूं और आप... यकीन माने कि ये बात मैं अल्लाह को हाजिर नादर जान कर हूँ ये इसलिए नहीं कि एक बंदा इस दुनिया में नहीं है तो हमने अच्छे अलफाज कहने रिवाए थे पाँच साल का मेरा वक्त कि जिसमें साल के तीस दिन तो ऐसे होते थे कि जब लिटरली चौबीस घंटे हम साथ होते थे चूँकि ट्रांसमिशन दस घंटे तो उसके अलावा अपार्टमेंट्स भी हमारे साथ ही खुदा की कसम मैंने इससे अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा आई नो व टाइम से ही यह मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा हूँ जज्बात में आगे तकरीर नहीं कर रहा हूँ आई नो वो टाइम सही मैंने इससे अच्छा इंसान मैंने पांच सालों में पांच सेकंड्स के लिए उनके मुंह से किसी की नहीं कौन है ए ए, ए। ये के बारे में बात कर रहे हैं गलत जवाब जुनेद जमशेद बिल्कुल सही जवाब जुनेद जमशेद साहब के कलाम का कोई एक शेर सुना दे नबी प्यारे नबी है तो होते ही हूं पैरे न सही है जी सूरत तेरी दुनिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है जुनैद जमशेद का انتقال किस बी जी 2016 बिल्कुल सही जवाब कैसे हुआ इनका انتقال ए एन क्रैश हुआ था बिल्कुल सही इस वीडियो में मेरे और वसीम के इस पे है कुछ नेगेटिव मार्किंग करते हैं आप लोग जी जी माइनस 10 अच्छा होती है इससे आगे मैं सवाल नहीं पढ़ू आदि हैं आदि आदि लमजत बैठे हैं दिखाइए कौन बैठा हुआ भाई में जल्दी ज़, जी आदि हैं फैजान हैं ठीक है सही है बिल्कुल सही है सही हो गया जवाब जी आप शो देखती थी वाला हमारा ये बड़ा बड़ा रोए थे उस दिन हम मुझे याद है उफ़ जुनेद भाई से जुदाई जो थी ना हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपकी अपना एफिलेशन बहुत ज़्यादा होती है जुनेद भाई जैसा आदमी तो खैर अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए शेर मुकम्मल करना है कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, दो भी ना भी लिए को है यार। बस ठीक है जब... यार लड़ क्यों रहा भाई है भाई आराम से बता दें यार ये क... ये शेर किन का है आदर्श दफ़र ये है देखा साथ ही से आराम से आया है ये माहवरा मुकम्मल करना है भागते चोर की ए बिल्कुल सही क्या बात है अब तस्वीरें दिखाएंगे आप ठीक है पहले ए फिर बी फिर सी तस्वीर के आपने बताना है कि क्या हो रहा है कौन है क्या चीज़ है पहली तस्वीर ए के लिए सॉरी आइंस्टाइन वही इतना जज्बाती क्यों <laughs> न्यूटन, आइंस्टाइन सही जवाब अगली तस्वीर ये कौन सी जगह है प्राइम मिनिस्टर हाउस प्राइम मिनिस्टर हाउस है। प्राइम मिनिस्टर हाउस है तो नहीं लोग कोशिश करते ना फिर बार बार हाँ अगली तस्वीर अरे बिल्कुल सही जवाब क्या बात साहल भाई बहुत बिजी हुए मैं आप कॉल करें मुझे जी अगली तस्वीर आपके लिए हाँ जी बी मिर्जा हाँ मिर्जा साहब तो हैं पूरा नाम बताएं <laughs> शोएब सो गया अंदर मुझे लग रहा है फैसल भाई हाँ मिर्जा सही है मिर्जा साहब का पूरा नाम है यार आई I मीन mean, मिर्जा इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद हाँ बोले मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब खुश हैं आप जी अगली तस्वीर ये कौन सी जगह भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं है हाई कोर्ट भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ही है सही है जी अगली तस्वीर ये कौन है भाई ये कौन है ये कौन है फिर चिरागों में रोशनी ना रही ये कौन है बहुत आसान है अरे <laughs> <laughs> अरे नहीं मैंने तो बड़ा क्यों दिया ना जरा से अगर दिमाग इस्तेमाल कर लो रोशनी से ताल्लुक है हाँ सही हो गया Good. जी आ, आ, सी की बारी है फैसल भाई जागते रहना किसी ना रहना जी मुफ्ती तारक मसूद बिल्कुल सही जवाब ये कौन है हाँ जी न्यूटन बिल्कुल सही जवाब यार इतना तुमने आसान कर दिया तला <laughs> इतना आसान कर दिया जी अगली तस्वीर ये कौन सी जगह भाई <laughs> जो दिमाग में आ रहा बोल दे बस हाई कोर्ट नहीं नहीं तामीरे लग रहा है। नहीं नहीं प्रेसिडेंट हाउस है जी पहले ए भाई आपके लिए आप सरगोदा से आए हैं ठीक है पचास सेकंड होंगे सवाल समझ में ना आए पास कर देना समझ में आए बीच में जवाब दे देना ठीक है शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? मंगला डैम। गलत। कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है मस्जिद, मस्जिद वाक है मक्का में। मना में फतेह मक्का के मौके पर मुसलमानों के लश्कर की तादाद क्या थी दस हजार से बिल्कुल सही मैक्सिको के दारकूमत का नाम मशहूर नशियाती इधारा पी बीबीसी किस मुल्क का है बिल्कुल सही माजुरों का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है पास। तीन दिसंबर। जैतून का कुराने मजीद की किस सूरत में बिल्कुल सही होनू किस मुल्क बंदरगा असल नाम बताइए बिल्कुल सही रूस की करेंसी का नाम बताइए बिल्कुल सही क्या बात है जी क्या बात है इसी तरह से सवाल समझ में ना आए पास कर देना समझ में आए तो बीच में जवाब दे देना कोई जरूरत नहीं है उसको ड्रैग ऑन करने की ठीक है जी सी एन एन के नाज का मुखाफ है केबल नेटवर्क न्यूज होची मिनी किस मूल की बंदरगाह है जापान वियतनाम पाकिस्तान की पहली जियो साइंटिफिक लेबोरेटरी किस शहर में कायम की गई लाहौर इस्लामाबाद पनामा के हुकूमत का नाम बताइए पास पनामा सिटी कुरान पाक के कितने पहाड़ों का नाम आया है इंटरनेशनल पाकिस्तान के किस शहर में है? वाको सिर्तानिया की करेंसी का नाम बताइए इकतीस इक्कीस दिसंबर इमाम शाफी रहमत का असल नाम बताया मोहम्मद बिन इद्रीस 2009-10 के टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान ने किस टीम को हराया था श्रीलंका हजरत की कितनी उम्र पाई साल शेख जैद मस्जिद दुनिया के किस शहर में वाक है अबुदाबी कुरान मजीद में मदनी सूरतों बिल्कुल सही जवाब क्या बात है वो जो मैंने बीच में देता, पेदा, पेदा कर देता हूँ ना मैं इतनी जल्दी जल्दी पढ़ना होता है तो जरा हो जाता है सो so, उसकी वजह से मैं जरा पाँच छह सेकंड ऊपर दे, दे देता हूँ यार फैसल भाई आप तो बिल्कुल ही अल्ला कसम ऐसे चल रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया रेडी हैं आप तुर्की की करेंसी का नाम क्या है लीरा बिल्कुल सही गजबा खंदा के मौके पर मुसलमानों के लश्कर की तादाद कितनी थी पास तीन हजार एल एन जी के पास लिक्विड नेचुरल गैस ली हार्वे किस मुल्क की बंदरगाह है पास फ्रांस हजरत इमाम अबू हनीफा का असल नाम बताइए नुमान बिंद साबित शिनों का शहर किस शहर को कहा जाता है सरगोदा बिल्कुल सही जब आप हजरत नूह अलैहि सलाम के नाम फरमान बेटे का नाम बताया बिल्कुल सही अल्जीरिया का दारुल हुकूमत का नाम बताया बिल्कुल सही नौजवानों का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है बारह अगस्त कुरान मजीद में सिर्फ एक शख को उसकी कुनियत से पुकारा गया नाम बताइए हजरत ज़ैद बिन हारिस हजरत अबू लहब Uh, मशहूर नशियाती इदारे सी एन एन का ताल्लुक किस मुल्क से है अमेरिका बिल्कुल सही कुरान मजीद में कुल आयात की तादाद बताई है तकरीबन सही है पाकिस्तान ने दो हजार बारह के एशिया कप फाइनल में किस टीम को हराया बिल्कुल सही जवाब ओ हो मुकाबला बयान हो गया सख्त लो जी मुकाबला हो गया बड़ा सख्त मैं बता रहा हूँ आपको रिजल्ट आने वाला है क्या लगता है भाई आज वाले भाई रोज वाले नहीं Uh, मुझे ऐसा लगता है कि ए से सवाल बड़े मुनासिब हुए लेकिन वही एक जज्बातीत जो थी ना और बहुत बर्जस्ता एक होता है कोइज़ की एक फ़ील होती है कि आपको फ़ौर जवाब देना होता है लेकिन शुरू में मुझे लग रहा है कि कई जो इजी क्वेश्चंस ईजी क्वेश्चन थे उनको आपने गलत कर दिया जिसमें मक्की वाला सवाल मदनी सूरतों वाला सवाल फिर बी से भी बड़ी एक्सपेक्टेशन <coughs> थी लेकिन मुझे लग रहा है बी और सी जो है वो थोड़ा सा कुछ मुकाबला अच्छा हुआ है देख लेते हैं हाँ। देख लेते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या? Yeah. अभी पता लग जाएगा जी सो so, टीम ए 160, टीम बी 90 और टीम सी 140। क्या बात है और सरगोदा से आए हमारे ये भाई आज जीत गए हैं 160 से बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपके साथ ओजी डेवलपर्स की जानब से ये गिफ्ट हेम्पर जाएगा मेरे दोस्त सबार ये आपके साथ जा रहा है सिर्फ यही नहीं जा रहा वाइल्ड वेंचर का पूरा एक साल का फैमिली पैकेज है वो भी आपके साथ जाएगा सरगोदा से आना हमारे वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क में नहाने के लिए ये खालिद स्वीट्स की तरफ से आपके लिए जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हर बिओन की जानब से गिफ्ट हम आपके लिए है आपको भी बहुत बहुत मुबारक बड़ा अच्छा मुकाबला रहा हमारे जज साहिबान कहीं नहीं जा रहे ये लोग जा रहे हैं क्योंकि अब हम वापस आएंगे मुझे कुछ कहना है कि सेगमेंट में और आज का टॉपिक भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है वाइल्ड वेंचर का मुझे वो दे दो ताकि मैं वो भाई उसको पकड़ा दूँ आइए जज साहिबान आइए अपने हाथों से ये अमानत थमा दीजिए आइए 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 वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का एक साल का फैमिली मेंबरशिप वो भी एक लाख रुपए का आप जीत गए हैं मैं तो कहता हूँ बेच दे जी छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आ जाए वा जी हाँ मुझे कुछ कहना है के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ हमारे जज ने यहाँ पे मौजूद हैं तलहा इज अ वेरी सीनियर जज आई मीन आमिर के साथ ऑबियसली इज बिन बहुत सारे शोज़ जज किए और आ, मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ भी यहाँ मौजूद हैं, हैं। आमिर आमिर लियात हुसैन वैसे ही एक बड़े ज़बरदस्त डिबेटर थे आई नो ये दोनों को मैं बहुत बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं जुनेद भाई भी और आमिर भाई भी आ, दोनों में बड़ा मुकाबला रहा हमेशा और आगे पीछे हाँ जुनेद इकबाल दोनों हमेशा आगे पीछे रहते थे और शुरू में हमने तो सुना है कि जब वो जाया करते थे डिबेट में तो एज ए टीम जाते थे हाँ आमिर भाई और जुनेद भाई लेकिन वो यही होता था कि कभी जुनेद भाई जीते थे कभी आमिर भाई जीते थे तो इन दोनों का बड़े आ, और दोस्ती भी बहुत अच्छी इज़ अ वेरी गुड साइन जैसे पे शहबाज साहब और तालाबाई मौजूद हैं हैं हमारे पास <laughs> और अभी हम डिबेट भी करवाने जा रहे तो आमिर भाई अगर लीडर ऑफ द हाउस होते थे तो जुनेद भाई लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे अभी हमारा क्वार्टर फाइनल्स डिबेट होगा जिसमें बच्चे करारदाद की हक में और मुखालफत में आके अपने दलाइल देंगे तो वो भी बहुत मजा आएगा क्या बात है क्या बात है क्या बात है और उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है ये आज का मौजू है एन ई डी यूनिवर्सिटी से आयशा सहीन हैं हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो तशीफ लें फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस् आगे बढ़ते जाएंगे जी सलाम अलैकुम सलाक वाले जी बिस्मिल्लाह मेरे हल्के दाम ख्याल में माजी की परछाइयों की यादें उबरती हैं सदर अली वक्त और इन यादों में एक ऐसी उम्मत का खुबरता है कि जिसे दुनिया की अजीम उम्मत करार दिया गया कि जिसे यकीनो सदाकत का अलम ठहराया गया और फिर कि जिसे यकीनो सदाकत का अलम ठहराया गया किसने ऐसे कायनामे रकम किए कि दुनिया की दूसरी कौमें इसके आगे सर तस्लीम खम करने पे मजबूर हो गईं कि दुनिया की दूसरी कौमें इसके आगे सर तस्लीम खम करने पे मजबूर हो गईं और फिर दुनिया ने देखा और फिर दुनिया ने देखा कि और फिर दुनिया ने देखा कि इसके दरबारों में इंसाफ परमबनी फैसले हुए इसकी इनकी महफिलों इनकी महफिलों में इनकी महफिलों में आगे से पढ़ना शुरू कर दो आगे से बोलो क्या मैं वीडियो पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ जी हम इनको आखिर में दोबारा मौका दें टाइम की भी कमी है तो Please. पहले दूसरे डिबेटर्स को अगर थैंक यू रिलैक्स मलिक याद वैसे पहली दफा हुआ थैंक यू फसल भाई मतलब ये दोनों तो तलवारें लेके आते हैं घर <laughs> <laughs> जी बिस्मिल्ला आज मिल्लत इस्लामिया की सब अरब की आबादी में 40 लाख इस्लामी फौज में 52 इस्लामी रियासतों में कोई ऐसा सिपाह-ए-सALAR कोई ऐसा लश्कर जरार नहीं के खालिद की तरह कुफर को मौत का पैगाम सुना दे तारिक की तरह कश्तियां जला दे कासिम की तरह इस्लाम का परचम लहराए कोई गौरी, कोई गजनवी की तरह ظلمت کدوق کو خاص میں ملائے तो मुझे कहना पड़ेगा वो तेरे महजर तेरे अनसार कहां हैं जो ओहद में थे वो सरदार कहाँ है जो मक्के में थे साथ वो दो चार ए खासा ए तो नंबर दे दू इसको मतलब टाइम भी देख रहा है उधर भी देख रहा है आपको भी देख रहा है मुझे भी देख रहा है क्या बात है यार क्या बात है अच्छा मैं बच्चों को ना एक चीज बताता हूँ आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं आप पहली दफ़ा कहीं अपैर होते हैं कभी कन्फ्यूजन होता है किसी के सामने ये मुझे एक गोरे ने सिखाई थी ये बात कि आप ना जो आपके पैरों के पंजे होते हैं उनको मोड़ लिया करें आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा वो जो एक होता है ना कॉन्शियसनेस होती है पैरों के पंजे मोड़ लिया करें कॉन्शियसनेस दूर हो जाएगी मज़े से इंटरव्यू देंगे आप अब ऐसा क्यों है इसको हम फिर कभी फिर कभी डिस्कस करेंगे फिलहाल छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं या जी अस्सलाम वालेकुम एक दफा फिर आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरीत से होंगे और डिबेट का सिलसिला भी चल रहा है मुझे कुछ कहना है और मौका दिया एक वीटो पावर यूज़ करते हुए हमारे जज साहब ने कि हम दोबारा मौका दें तो हम आयशा सगीर एन यूनिवर्सिटी से उनको एक और मौका दे रहे हैं कि प्लीज़ वो आ जाए और अपनी जो तकरीर है आ, वो कर लें जी बिस्मिल्लाह मेरे हल्के दामे ख्याल में माजी की यादों की कुछ परछाइयाँ उभरती हैं सदर आलिबान और ऐसी परछाइयाँ उम्मत का अक्स नमुदार होता है कि जिसे दुनिया की बेहतरीन उम्मत का दिया गया है एक ऐसी उम्मत, उम्मत एक ऐसी उम्मत के जिसके ने दुनिया की दूसरी कौमों को उसके आगे सर तस्लीम में कम करने पर मजबूर कर दिया सियासी ताकत के नाम से आशना यह उम्मत जिसके दरबारों में कि जिसके दरबारों में इंसाफ पर फैसले किए गए और फिर, और फिर इसने और फिर इसने और फिर इसने दरियाओं का रुख मोड़ डाला बहरे जुल पे घोड़े दौड़ा डाले कि हमारा बहादर का लश्कर लाखों के लिए काफी हुआ मगर फिर सफ़र तारीख पलटती है और फिर माजी की सुनहरी यादों माजी की सुनहरी यादों को दौरे हाजिर का मातम और आंसुओं की नजर हो जाती है और एकदम मेरी जुबान से ये जारी होता है कि वक्त दुआ है क्योंकि मैंने देखा मैंने उम्मत को रफ्ता रफ्ता अल्लाह की रस्सी को छोड़

मैंने देखा गानों की धुन पर रक्स करते हुए अरबों को कि एफसी और मिकडोनल्ड खाते अपने हाथों को फलस्तीनियों के लहू से रंगते मुसलमानों को मैंने अदालत में बे इंसाफी को देखा हुकूमत में जुल्म को इकतदार में गुरूर को और मैंने मैंने मजहब के नाम पर लाम मजहबी देखी कि मेरा ये सवाल बचा बनता है कि क्या थे और कल क्या थे आज क्या हो गए तुम तो? क्या वकार और फिर दुनिया ने देखा कि तीन बरमों पर हुकूमत करने वाली ये कौम जलील और रसवा हो गई कि जिन हाथों में तलवार थे वो हाथ दरबारी यसीदियत में कशकोल उठाए खड़े दिखाई दिए यहूद तो नसारा को राजी करते दिखाई दिए कि सुनीना मिस्र फलस्तीन की वो आजा तुमने दिया था जिसने पहाड़ों को रेशे इस सेमा की वो कि दिया था जिसने पहाड़ों को रेशा सहमाब वो सजद रूह जमी जिससे काप जाती थी इसी को आज तड़पते हैं ये मेम्बरों महराब मगर अली वक्कार हाल तो ये है कि हाल तो ये है क्या आईना दिखाओ तो देखना नहीं चाहते कि असलाह करो तो सुनना नहीं, नहीं चाहते तो मैं ये बस बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू सैदा मरियम बुखारी तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से जी इस्लाम से माकबल सुलमत के घटा टोप अंधेरे बरहन तवाफ़ हरम कत्लोरत गरी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला बिन्ते हवा को जिंदा दर करने के शर्मनाक मनाज़िर, सिसकती बिलकती इंसानियत तरह के जज्बे से चरख की जानब नज़र उठाती है और फरियाद करती है कि खासा ए खासा ने रसुल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके या वक्त पड़ा है जनाब सदर रहमतें दो जहाँ जलवा अफरोज़ हुए तो ओ जबर को बद्र हुनैन खैब्र करबला के सामने आना पड़ा सिसकती बिलकती रहम की भीख तलब करती इंसानियत फिर से जी उठी चार सू अमन आश्ती का दौर दौरा हो गया लेकिन अफसोस अफसोस के चौदह सौ साल बाद तारीख फिर से ख़ुद को दोहराने चली है यहाँ हमने तलीमत ता, नबी से रुक गर्दानी की और वहाँ उम्मत और वहाँ फिर ओ बरबरीत बर और वहाँ हम फिर ओ बरबरीत के शिकंजे में जा फंसे आज ला लहा लल्ला का कलमा पढ़ने वालों की आँखों को डॉलर की चमक ने खेला कर दिया है इनके दिलों को इनके यूरोपी आकाओं ने मुस्तर कर दिया है आज आज मुस्लिम उम्मा का शिरासा बिखरा हुआ है कश्मीर हो इराक हो या शाम के बेबस मुसलमान या फलस्तीनी घरों के मलबे तले दबे मासूम फिलस्तीनियों की दिलदोज चीखें मुरझाए फूलों की मानिन बच्चों की लाशों पर बेबसी से बैन करती हुई माएं भारतीय फौजी भारतीय फौजियों के हाथों बेआबरू होती मासूम कलमागो बेटियों की फरियादें के खासए हसन रसूल वक्ते दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है जनाब सदर आज के मुसलमान की ज़बूहली देख कर हर गोशा दिल ये सदा देता है कि काश कोई हो जो ये ऐलान करे कि हम सिपाही हैं और किसी करबला के हैं काश काश कोई कोई हो हो जो 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 वक्त के खौफ के के खौफ बुत तोड़ दे दे इन सिले हुए होटो को खोल दे। जो इन दरिंदों सामने सीना सिपर हो जाए फिर फिर से करार की लहराए खालिद मुंतजिर आए और इनके दिलों में दहशत राशा कर राशा कर दे और काश रसोल्ला की हिदायत रसोल्ला का पैगाम हमारे और काश काशुल्ला का पैगाम हमें एक बना दे हमें हमें जालिम के खिलाफ ललकार बना दे क्योंकि एक है इस कौम के नुकसान भी एक एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक शुक्रिया जी जद साबान कहाँ से शुरू करें तीनों आ जाएँ प्लीज़ फ़लह भाई आप अच्छा मेरा ख़्याल है फैसल भाई मैं फैसला महफूज कर लेता हूँ <laughs> क्योंकि हमारा मुनिफिन का जो कह सकते हैं कि सुन्नत है अच्छा मैं स्टार्ट करूँगा कि आयशा सगीर से और जैसा आपने मुझे बताया कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि जी आपको दोबारा <laughs> मौका दिया गया हो तो आयशा आपको दोबारा मौका दिया गया और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी टीम की तरफ़ से एक बहुत अच्छा जेस्चर आपके लिए दिया गया है और आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई आप कई बार भूलें मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बताना ही चाहूँगा कि जब भी हम डेक्लेशन करते हैं हम मंजर कशी करते हैं तो हमारी एक पिच होती है आप जब कभी कोई कलाम भी सुनती हैं तो उसकी स्टार्टिंग पिच अलग होती है फिल्म देखती हैं कोई ड्रामा देखती हैं उसका क्लाइमैक्स आता है जो हाईएस्ट पिच होती है अगर मैं अपनी बात का आगाज़ ही यहाँ से करूँगा तो फिर क्लाइमेक्स का होगा ठीक है तो हमने स्टार्ट लेना है थोड़ा एक लो ग्राउंड से और उसके बाद हमने अपनी पिच को बढ़ाना है आमिर भाई इसको कहा करते थे ज्वार भाटा नहीं है आपकी गुफ्तगु में यानी कि कहीं आपकी आवाज हल्की भी होगी कहीं तेज भी होगी कहीं रफ्तार भी बढ़ेगी कहीं रफ्तार बिल्कुल धीमी होगी क्योंकि ऑडियंस आपके साथ होती है आप जैसे एक्सप्रेशंस आपके होते हैं जैसा कंटेंट आपका होता है ऑडियंस मुस्कुराती है ऑडियंस की आंखों में आंसू भी भर आते हैं तो जब तक वो फ़ील नहीं होगी उस तकरीर में उस मंज़र कशी में उस डेक्लेमेशन में मंजर कशी में हमने वो लम्हा जीना है जो आप हमें बता रहे हैं यानी हमने वो विजुलाइजेशन हमने देखनी है जो आप हमारे सामने डिलीवर कर रहे हैं तो ये बहुत जो है ना वो एक ये समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ आपने आपने बात नहीं करनी सिर्फ तकरीर नहीं करनी बल्कि हम सबको उठा के उस मंजर पर लेके जाना है हुज़ैफ़ा मलिक मुझे हुज़ैफा के बारे में कुछ पता चला कि आपके ऑडिशंस भी हुए थे और शायद उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी लेकिन आपने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया कुछ तलफ़ का मुझे लगा कि वो है और है और कुछ वो है हमारे जो है वो मिजाज में भी है उसको बस बेहतरी की ज़रूरत है और मरियम बुखारी मरियम बुखारी आपकी एंडिंग जो थी वो बहुत कमाल थी उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कमाल उसमें आपका कंटेंट, उसमें आपकी रवानी उसमें अल्फाज की क्लैरिटी बहुत कुछ था लेकिन शुरू में मुझे लगा कि थोड़ी सी जो थी वो साइकिल जो थी ना वो बैलेंस नहीं थी थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ तो मेरा ख्याल है कि बाकी आप लोग अगर कुछ कहना चाहें फिर हम एक साथ अनाउंस करेंगे बिल्कुल आज के जो मुख्रीन आए तलहा भाई की बात को मैं आगे बढ़ाऊँ कि जो इन्होंने आवाज़ के पिच की बात की ना आप आपा तालिब जोहरी को सुने कि जब वो आके मजलिस पढ़ते थे तो किस तरह से आगाज़ होता था फिर किस तरह से जो है वो हाई पिच पे जाते थे तो हमने भी उनको सुना तो उससे हम डेक्लेमेशन सीखते हैं और डेक्लेमेशन और तकरीर में मंजर निगारी में और तकरीर में फ़र्क मैं आपको बताऊं जो करबला के वाकयात बयान किए जाते हैं वो मंजर निगारी है और रबल में जो हमारे यहाँ तकरीरें होती हैं वो सिंपल तकरीर है तो ये इसका बुनियादी फ़र्क है दूसरी बात यह है कि आपकी याद मतलब आप हम जब तालब इलमी के ज़माने में होते थे तो हमने अपनी एक तकरीर को दो दो सौ मरतबा पढ़ा करने से पहले जब आपको याद बहुत रवानी से होता है ना तो आप जब आते हैं नोस्टम पर खड़े होते हैं तो आपका ध्यान जो है वो ऑडियंस की तरफ होता है और जब याद नहीं होता है तो आपका ध्यान अगले जुमले पे अगले लफ्ज़ पे होता है जिसकी वजह से आपकी ज़ुबान में लड़खड़ाहट भी आती है आप घबराहट का भी शिकार होते हैं लिहाजा याद बहुत अच्छे से कीजिए और डेक्लेशन और तकरीर में तो याददाश्त की बहुत ज़रूरत होती है अलबत् डिबेट्स में ऐसा नहीं है उसमें फ़िलबदी चीज़ें होती हैं उसी वक्त आपको पकड़ना होता है उसी वक्त काउंटर करना होता है तो आज का जो मौजू था अलताफ़ हुसैन हाली ने लिखा उन्नीस सौ चौदह में क्या खासा ने रसुल खास वक्त दुआ है लेकिन आज तकरीबन सौ साल के बाद भी फैसल भाई अगर हम देखें तो बिल्कुल हालात उसी तरह से मैं दो चार मिसरे इसके पढ़ना चाहूँगा क्या खासा ख़ास ख़ासान रसुल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है और जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है और जिस दीन के मदू थे कभी कैसर वसरा ख़ुद आज वो मेहमान सराय फ़रा है वो दीन हुई में जहाँ जिससे चरागा आज उसकी मजालिस में ना बत्ती ना दिया है जो तफरक अकवाम के आया था मिटाने उस दिन में खुद तफरका अब आके पड़ा है।, है, 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 है उस दीन में खुद तफरका अब आके पड़ा है शहबाज भाई आज के फैसले का ऐलान करेंगे जी शहबाज भाई जी तो सबसे पहले जो हमारे आ, हमारी मुकर आए आयशा शहिर थोड़ी सी मैं आपको ये टिप्स देना चाहूँगा कि जब आप आए स्टेज पर या डाइस पर तो आप सबसे पहले माइक को सेट करें आप जब आते ही बोलना शुरू करते हैं या आप चाहते हैं कि बस आते ही मैं बोलना शुरू करूँ और रवानी के साथ बोलना शुरू करूँ तो ये भूलने वाले मसाइल आते हैं और कोशिश करें कि आप घर से समझ कर याद करके आएँ ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर जब पेपर लेके याद कर रहे होते हैं फिर इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं ये न्यू डिबेटर्स के लिए हम तीनों जजेस के एक टिप है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा और इसके बा, बाद वन, जी पहले थर्ड पोजीशन थर्ड पोजीशन पोजिशन पर आज आयशा सगीर आयशा खालिद स्वीट्स आपके साथ जाएगा हरबियोन और सेकंड पोजीशन मरियम बुखारी मरियम हरबियोन का गिफ्ट हम पर आपके साथ जाएगा आज की फर्स्ट पोजीशन और हाईएस्ट मार्क आज तक के मुकाबलों के हाईएस्ट मार्क्स इन्होंने लिए हैं हुजैफा मलिक रियली यस क्या बात है यानी मैंने सही तारीफ़ की थी बिल्कुल सही ये ओजी डेवलपर्स की तरफ से गिफ्ट हेम्पर है आपके लिए और उसके साथ ये एक लाख रुपए की फैमिली मेंबरशिप है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक हो ये ये बड़ी आपने अच्छी बात बताई कि अब तक के हाईएस्ट मार्क इन्होंने हासिल किए हैं कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू तला थैंक यू शिबाज थैंक यू तला अनवर आपका बहुत शुक्रिया इनशाला फिर I मुलाकात इन्षाल्ण होती इन्षाल्ण है आपसे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो मजेदार रफ्तार की तरफ बढ़ेंगे थैंक यू थैंक यू सलाम जी मजेदार रफ्तार में आप लोगों को खुश आमदेद कहते हैं असलामैक आपकी तबीयत कैसी है ये बताएं पहले मुझे अलहमदुल्ला बेटर है शुक्र ठीक है ठीक है जी जी आ, हम मौजूद हैं इस वक्त लाइव बॉय के काउंटर पर और जैसा कि आप सबको पता है कि लाइव बॉय हमें देता है हंड्रेड परसेंट स्ट्रॉगर्स जम्स प्रोटेक्शन वो भी जस्ट टेन सेकेंड्स में मैं यहाँ एक बात बताती चलो मैं हैंड भी वॉश करूँ और आपको एक बात बताऊँ कि एक बच्चे के लिए उसका बड़ा ख़ास दिन होता है जब उसकी पहली रोज़ा खुशाई होती है और अगर वो रोज़ा खुशाई उससे मिस हो जाती है तो वो उसमें होने वाली खुशियों से महरूम हो जाता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उन खुशियों से महरूम ना रहे तो इस्तेमाल कीजिए लाइव बॉय हैंड वॉश और अपने बच्चे को दीजिए जम्स प्रोटेक्शन हंड्रेड परसेंट जम्स प्रोटेक्शन वो भी सिर्फ और सिर्फ टेन सेकेंड्स में तो आज हमारे पास एक और गेस्ट मौजूद हैं जैसे कि आप लोगों से कहा था कि आप लोग अपनी रेसिपीज हमसे शेयर किया कीजिए तो एक और वंडरफुल सी रेसिपी हमें मौसू हुई है और ये शेफ़ आई हैं फूड पैंडा की तरफ से मैं फूड पैंडा का भी इंट्रोडक्शन दूंगी पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन दूँ मैं चाहूँगी कि अपना नाम खुद बताएं कि आपका क्या नाम ठीक मेरा नाम है निदा आसिम निदा आसिम है और इनका बड़ा ज़बरदस्त सा एक किचन है जो दादी, दादी का दस्तखान जो हमने कहा था नानी और दादी के खाने तो देखिए ज़रा किस तरह इंटीग्रेशन हुई है नानी और दादी के खानों से इंटीग्रेशन हुई दादी के दस्तखान से आज ये एक रेसिपी हमारे पास लेकर आई हैं और क्या बना रही हैं आज आप मैं बना रही हूँ कुरकुरे की हलचल चाट कुरकुरे की हलचल चाट अच्छा आप फूड पांडा पे क्या कहती हैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें कब से हैं पंडा पे रमज़ान जो पिछले रमजान कुछ हैं, उससे तकरीबन एक हफ्ते पहले हमने स्टार्ट किया था। जबरदस्त कैसा एक्सपीरियंस आलम दुलारीला, आलम दुलारीला, लाइफ चेंज हो गई। लाइफ चेंज हो गई अच्छा <laughs> फूड पांडा पे होम शेफ़ का जो एक अ, सर्विस है उसमें आपको घर के बने हुए खाने मिलते हैं यानी आप ये समझ लीजिए कि दाल चावल से ले के, आलू के पराठे तक आपको हर चीज़ फूड पैंडा के प्लेटफॉर्म से मिलती है वो लोग जो अपने घरों से दूर हैं और अपनी अम्मी के हाथ का खाना या अपनी मिसेस के हाथ का खाना मिस करते हैं तो फ़ौर आप लोग जाइए फूड पैंडा पर और आप अपनी क्रेविंग और घर के खाने को आप वहाँ से मंगवा कर कर सकते हैं इस यकीन के साथ कि वहाँ पर खाना जो बनता है वो बड़ा हेल्दी एंड हाइजेनिक होता है क्योंकि होटल से या ढाबों से जब खाना ले रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो खाना जो है हमें पता नहीं होता हाइजेनिक है या नहीं फ़ूड पैंडा का खाना क्योंकि वो घर से आ रहा होता है तो घर की मोहब्बत के साथ होता है और उसके अंदर तमाम गजाइत के साथ साथ फुली हाइजैनिक खाना होता है मैं यहाँ ये यह भी बताती चलूँ कि फ़ूड पैंडा पे पिछले तीन सालों में हज़ारों के हिसाब से लोग फ़ायदा उठा चुके हैं और इसमें तकरीबा पाँच हज़ार से ज़्यादा होम शर्ट्स मौजूद हैं जिसमें से सेवेंटी परसेंट खुतान हैं और उसका सिक्सटी परसेंट वो चंक है या वो ख़वा हैं जो फर्स्ट टाइम आंटरप्रन्योर बनी है और उनकी लाइफ चेंज हो गई है फूड पैंडा पे तो अब हम क्या करते हैं हम फूड पैंडा की तरफ से आई हुई शेफ निदा हमें अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगी मीन वाइल मैं क्या करूँगी मैं यहाँ सबरोसो के मेरे पास आज नगेट्स हैं आप लोगों को बताती हूँ मैं कि हमारे पास कंप्लीट रेंज मौजूद है फ्राइड आइटम की सबरोसो की तो उसमें से हमने आज लिए हैं नगेट्स हम काफ़ी सारी रेसिपीज़ कर चुके हैं कचोरी भी हमने कर ली है सीख कबाब कर लिए हैं और आज हम आपको नगद्स से मिनी बर्गर्स बनाकर कर बताएँगे क्योंकि बच्चों की बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि हम बच्चों के लिए कुछ बनाएँ तो यहाँ मैं नगेट्स ट्राई कर रही हूँ और आप अपनी रेसिपी स्टार्ट कर सकती हैं प्लीज़ अच्छा क्या करी आप सबसे पहले क्या है आपका? पहले ये है ना ये, मैं, मैं तो फ्राई करके लाई इसमें नमक है, है हाँ। okay. अच्छा इसमें नमक है ओके क्या चीज है ये बताइए ये बड़े बड़े, है, बड़े हमारी हैं हाँ थोड़ा सा बताइए हमारी खातन को जो देख रही है बड़े शौक से इस वक्त ये बेसन में हमने नमक डाला है कुटी मिर्ची जीरा ठीक है खाने का सोडा ओके फ्राई कर लिया कितना कितना एक कप बेसन लिया था आ, एक एक है, है, कुटी में ठीक है और नमक अपने बस ठीक है और थोड़ा सा जीरा ठीक है उसके बाद आपने क्या किया उसको फिर इसको हमने फ्राई किया फ्राई करके पानी में डिप कर दिया पानी में डिप किया अच्छा पानी में डिप करने के लिए कितनी देर छोड़ा था आपने तकरीबन मिनट अच्छा यहाँ पे मैं एक टिप देती चलू कि अगर आप पकोड़े बना रहे होते हैं और पानी में डिप कर रहे होते हैं तो आप ये क्या कीजिए कि उसको ज्यादा देर अगर छोड़ेंगे ना तो वो टूट जाएंगे तो बिखर जाएंगे. जाएंगे आप उसको लें और हाथ में इस तरह से लेके उसको हाथ से हल्के हाथ से दबाएंगे और इसके बाद आप इसको निकाल लेंगे जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए अच्छा जी तो ये आपकी आपने दादी का दसोखान जो रखा अपना किचन का नाम तो उसके पीछे क्या स्टोरी है या क्या हिस्ट्री है वो मुझे है कि मेरी दादी हाँ हाँ बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती थी, थी और अच्छा। बहुत था जबरदस्त हाथ में तो मतलब थोड़ी मैं बड़ी होने शुरू हुई तो शौक शुरू हो गया ठीक है थी, थी तो मेरे चाचा है हामिद नाम है उनका ओके तो रोते थे, थे वो अच्छा के मतलब अम्मी का टेस्ट है इसके हाथ में अच्छा जबरदस्त तो ये करते करते फिर हम लोगों ने जब कहा कि कुछ करेंगे मेरे लाइफ में कुछ करना है ठीक है तो ये फूड पढ़ना स्टार्ट किया ठीक है नाम नाम क्या रखें तो फिर हमारी दादी के अपने कहा दादी का दस्तोखान से तो फिर हमने इस तरह से दादी का दस्तो खान बना ओके जबरदस्त हो गया अच्छा ठीक है तो ये आपकी दादी की ही रेसिपी है क्या

तीन चम्मच डाल देंगे तीन चम्मच डालेंगे ठीक है जी। अच्छा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हमें कितना दही डालना है कितना नहीं डालना नहीं ये इस तरह से ऐसे ही कि बिल्कुल वो पता ना बड़े ठीक है ठीक है इमली की चटनी अरे जबरदस्त ये तो आप देखें कि चाट की जान होती है मैं कहती हूं किसी भी किसी भी किस्म का चाट या दही बड़े बना रहे हैं उसमें ना ये मैं कहती हूं हीरो बताइए इसके हम डालेंगे दो चम्मच ठीक है जबरदस्त अभी से ना क्रेविंग हो रही है कि जी हम इसको टेस्ट कर लें। अच्छा, कुटी हम डालेंगे। अच्छा नमक, था है? नमक हम इसमें नहीं डालेंगे है? है शायद मिस हो गया क्योंकि इसमें नमक है बिल्कुल चाट मसाले में नमक ठीक है इसमें भी है, स्वीट बिल्कुल ठीक लेकिन ये अगर आपको आपको लगता है आपको लगता है नीड है नहीं अच्छा कुटी मिर्चा में आधी चम्मच डालूंगी लेकिन आप लोग ठीक है आप स्पाइसी 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 खाने वाले हैं। हैं। अच्छा खाती ओके okay. वैसे खैर ज़्यादा खाना खाना नहीं चाहिए नहीं। हमें है ना हमारी सेहत के लिए अच्छा, अच्छा नहीं।, नहीं होता ठीक है जी अच्छा ये पापड़ी है सही। पापड़ी कोई सी भी थी? ले सकते हैं बड़ी ट्रेंडी चल रही है पापड़ी आजकल हर जगह चाइना पापड़ी जो है वो छोटे छोटे से पीसेस होते हैं बहुत छोटी छोटी सी जी।, जी हाँ अच्छा। गोल गोल वाली तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं अगर आपको बड़ी पापड़ी के थोड़े से उसमें ये होता है कि बस चीज आपकी थोड़ी सी ना प्रेजेंटेबल हो जाती है ठीक है सही है ठीक है जी अच्छा मैं भी यहाँ साथ साथ क्या कर रही हूँ कि कुछ भी नहीं करना है आप इसके अंदर थाउजेंड एलन सॉस आपका हो गया कम्प्लीट बस मैं ये डालूंगी अच्छा जी अब आ गया जनाब इनका हीरो इन्ग्रीडियंट क्योंकि ये फूड पैनर से लेकर आई हैं कुरकुरे क्रिएशन की रेसिपी जो है दादी की रेसिपी उसमें इन्होंने फ्यूजन किया है कुरकुरे का ठीक कुर -कुर। है क्रम्स बना लेंगे अच्छा क्रम्स बना लेंगे और कौन सा फ्लेवर यूज़ करना है कुरकुरे का रेड चिली रेड चिली आप यूज़ कर रही हैं वैसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं ओके ठीक है जी जब तक वो कुरकुरे क्रश कर रही हैं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि ये मैंने छोटे वाले जो बन्स होते हैं मैंने वो ले लिए थे इसमें मैं एक स्लाइस पे जो है नीचे वाले स्लाइस पे मैं कैचअप लगा रही हूँ आप चाहें तो आप इसका थाउजेंड एलन सॉस भी बना सकते हैं ठीक है जी और इसी तरह मैं दो तीन बंस पर जल्दी से ये लगा लेती हूँ ताकि हमारी रेसिपी भी साथ साथ कम्प्लीट होती रहे अच्छा इसमें आप थाउजेंड आइलैंड लगा सकते हैं आप इसके अंदर जो है आपको मैंने हनी मस्टर्ड सॉस सिखाई थी आप वो लगा सकते हैं ठीक है आपकी अपनी क्रिएशन है कि आप सॉस कौन सी इसमें ऐड करना चाह रहे हैं थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो चिली गार्लिक आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह कर सकते हैं ठीक है जी अब हम क्या करें अब हम दूसरे स्पून से इसकी अपर साइड पे हम थोड़ा सा यहाँ पे म्योनीज़ ऐड करेंगे क्योंकि ये बन का साइज़ बहुत छोटा है तो इस वजह से मैंने सोचा कि अलग से ना जो है थोड़ा सा फ्लेवर वो हम इसके अंदर लगाएं ताकि हमें अलग से फ्लेवर आए अच्छा जी अब आप ऊपर तो से क्या डाल रही हैं उसमें जो मैं डालिए थोड़ी सी दही और अच्छा ये और दही डाली है ओके और अपनी ये इमली वाली चटनी ठीक है और ये चाट मसाला चाट मसाला, जबरदस्त हो गया आपकी चाट कंप्लीट हो गई है? क्या जबरदस्त नाम है एक दफा नाम फिर से बता दीजिए आपकी क्या चाट का नाम था इसका है हलचल कुरकुरे चाट बाकी आपने इस रेसिपी ने तो खैर हलचल मचा दी बहुत ही सिंपल और, और ये ईजी भी है प्लस ये कि आजकल जैसे गैस का इशू है हमारे पास गैस नहीं है तो उसके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है कि आपके पास अगर ये दही बड़े आपने बना के रख लिए शहरी में और उसके बाद फिर आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं अच्छा यहाँ मेरी भी तकरीबन रेसिपी जो है वो कम्प्लीट होने जा रही है मैंने यहाँ पर जो है एक सलाद पता रखा है लेटस स्लीव उसके बाद मैं एक एक नगेट रखती जा रही हूँ जो अभी हमने फ्राई किए थे उसके बाद आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसके अंदर कुछ भी ऐड करना चाहें कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं मैं यहाँ पर क्योंकि बच्चों की फेवरेट होती है चीज़ तो मैंने थोड़ी चीज़ जो है वो क्रश करके रख ली थी आ, मैं ये यूज़ कर रही हूँ आप इसमें चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसमें ये कीजिएगा क्योंकि चीज़ स्लाइस बड़ा होता है ना तो उसको फोर पीसीस में कटिंग कर लीजिएगा और फोर पीसीस में कटिंग करने के बाद आप उसको रख सकते हैं ठीक है जी तो ये हमने क्या क्या ये इसके ऊपर रखा और यहाँ पर ये हम बंस रखेंगे एक और छोटी सी आप लोगों के लिए क्रिएशन करके रखी है वो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया क्योंकि देखिए आप देख रहे होंगे कि बर्गर्स के ऊपर हमें क्या होता है कि हमें कोई स्की्यूवर चाहिए होता है लेकिन जब हम स्कीूवर बाहर से लेते हैं तो वो हमें क्या होता है कि वो काफ़ी हमें जो है ना एक्सपेंसिव मिल रहे होते हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं मुझे प्लीज़ टेशो पास कर दीजिएगा थैंक यू थैंक यू आप इसके लिए क्या करेंगे आप सिंपल जो हमारे घर में मौजूद होते हैं स्कीूवर्स बाबी की स्टिक्स जिनको कहा जाता है वो आप लेंगे ये मेरे पास मौजूद है ठीक है मैंने ये ले ली और उसके बाद ये बच्चों के स्टिकर्स मिलते हैं आपको शीट्स दो एक जैसी शीट्स ले लीजिएगा आप ठीक हो गया इसमें से आपने कोई सा भी एक स्टिकर लेना है मैंने यहाँ पे साइज़ के हिसाब से क्योंकि छोटा चाहिए था खाने मुझे थाने वाले स्टिकर है ये खा इसके शेप बनी हुई है बस ये खाएंगे नहीं हम सिर्फ डिस्प्ले के लिए इसको यूज़ करेंगे अच्छा तो खा जाए पता लगे नहीं नहीं तो हम ऊपर लगा रहे हैं ना तो ये हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और सेम जो आपका स्टिकर है वैसे ही दूसरा लीजिए और क्योंकि ये पता है फैसल ये बार बड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं ये जो स्क्यूबर्स होते हैं ना ये वाले बस ये बन गया अब आपने क्या किया इसके ऊपर बंद के ऊपर स्लाइडर पे ऐसे लगा दिया तो आपको एक सपोर्ट भी मिल जाएगी एक प्रेजेंटेबल सा लुक भी आ जाएगा प्लस ये कि आपके पैसे भी बच जाएंगे बड़े आराम से तो ये जो है इस तरीके से आप लगाइए और किसी भी शेप के ले सकते हैं अगर आपकी इवन अवतार पार्टी है तो उसमें आप मल्टीपल इसमें तो स्टिकर्स में आपको पता है बड़ी वेरिएशंस होती हैं बड़ी वैरायटी वेजिटेबल के फ्रूट्स के जो लेना चाहें वो ले सकते हैं और इस तरीके से ये आपका जो है स्लाइडर्स जो हैं वो आराम से तैयार हो जाएंगे और आप इस तरह इसको इन्जॉय कर सकते हैं थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत शुक्रिया मैं जा रहा हूँ छोटी सी ब्रेक पे ब्रेक से वापस आते हैं हकीम शाह अजीज साहब हमें ज्वाइन करेंगे जाऊँ Anyway, रमजान और सेहत में आप सबको खुश आमदे आज मैं आपको बताऊंगा सॉरी मैं बताऊंगा आप बताएंगे ना पहले बताएं मैं क्या बताऊंगा क्या आपने पूछना मैं बताऊंगा लोगों लोग कहीं और लग जाएंगे काम <laughs> सही चीज आप बता दें <laughs> आज, आज हम बता रहे हैं फेशियल हेयर फालतू बाल हो जाते हैं क्या कह रहे हैं फेशियल हेयर फेसियल है तो शेव नहीं करते आप नहीं मतलब ख़्वीन में ये प्रॉब्लम अगर हो जाती है हाँ। चिन पे थोड़ी पे गालों पे बाल फालतू हाँ। आ जाते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए और साथ में जो उनके हारमोन डिसबैलेंस हो जाते हैं उसकी वजह से एक तो वेट भी बढ़ रहा होता है और साथ में गर्मी हॉट फ्लैश ये बहुत ज़्यादा फील होती हैं पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और साथ में ये है कि फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं तो जिनके भी फालतू बाल हो रहे हो तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली तीन चार चीज़ें लेनी है एक लेनी है ये किस्तुल बहरी इसे किस्त शीरी भी कहा जाता है ठीक है किस्तुल बहरी ये इसका पाउडर है ये हम लेंगे तकरीबन पचास ग्राम ये है मुल्तानी मिट्टी ये इसका पाउडर है ये खानी नहीं है ये हम लेंगे बीस ग्राम खानी नहीं है आ, और ये है सुरनजान तलख कड़वी सुरनजान कहते हैं इसको ये इसका पाउडर है ये भी हम लेंगे पचास ग्राम ठीक है और ये रोगन खास है वैसे तो ट्वेंटी एम डाला जाता है लेकिन हम एक टाइम के लिए बनाना चाहें तो इसमें चंद कतरे इसके रोगन एक खस डाल दें खस एक बूटी होती है ये उसका ऑयल होता है।, है इनको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें ठीक है और फिर उसका जितना लगाना हो उतना आपने पानी में इसका खाना नहीं है, लगाना खाना नहीं।, नहीं है लगाना है ये अच्छा ये फालतू बालों पे लगाना है आपने इस तरह पानी में इसका पेस्ट बनाएंगे आप ठीक है नरम सा पेस्ट हो ऐसा पेस्ट हो कि जिसका ठहर सके कुछ देर के लिए ये ठीक है और इसे अगर लगाएं तो एक घंटा दो घंटे बाद आप धो सकते हैं और अगर रात को लगा लें सुबह धो लें वैक्स का काम करेगा ये वैक्स का काम करेगा लेकिन पता नहीं चलेगा उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी जैसे ही लगाएंगे आप इसे छोड़ दीजिए जब ये खुश्क हो जाए आप इसे धो लीजिए या रात को लगा लें सुबह धो लें एक टाइम रोजाना करें आप अब देखना ये बारीक होकर ख़त्म होते जाएंगे फिर दोबारा नहीं निकलेंगे इसमें देखें एक महीने में काफ़ी बेहतरी आ जाती है लेकिन इसे दो तीन महीने कंटिन्यू कीजिएगा ताकि ये दोबारा ना निकलें ये पोर्स जो इनके खुले हुए ये बंद हो जाएंगे ठीक है इससे पहले कि आप अगली दवाई की तरफ बढ़ें यह अगली रेसिपी की तरफ बढ़ें मैं एल का जो तोहफ़ा है ओसी डेवलपर्स की जानब से जिनका कहना है कि क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसेस दैट इंस्पायर एंड एलिवेट उनके उनकी तरफ से जो एल का तोहफ़ा है बेस्ट रेसिपी पे जा रहा है इरम फातिमा को जिनका ताल्लुक़ मरी से है इरम कॉन्ग्रेचुलेशन आप जीत गई हैं ओसी डेवलपर्स की जानब से वो वाली एल दिखाओ भाई एल दिखाओ भाई वाह 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 धड़ाधड़ लोग जीते जा रहे हैं एल ई जाए जा रही है कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत मुबारक मरी जाएगी एल ई डी जाएगी मरी मरी जाएगी अच्छा आपने बेस्ट रेसिपी की बात की हाँ। मैं खुश हो रहा था <laughs> तो आप क्या समझिए आपकी रेसिपी हम <laughs> उन्होंने खाने की रेसिपी की हाँ बात वो लोग लो शेयर कर, कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं बहुत सारे लोग बहुत सारी रेसिपीज शेयर कर रहे हैं जब वो हमारे जजेस उसको सिलेक्ट करते हैं तो उनको हम फिर आ, देख ले नाज़रीन कितना लोगों को फायदा हो रहा है तो आप फैसल भाई जो कह रहे हैं आप उस पे जरूर अमल कीजिए एक एलईडी के साथ दूसरी एलईडी भी इंशाल्लाह निकलेगी हैं और भी एलईडीज निकलेंगी इंशाल्लाह हाँ ये भी है इंशाल्लाह ये तो हो तो, गया दूसरी चीज के बाल हां और एक चीज होती हाँ तो है हाथों वहां लगा सकते हैं हां तो फेशियल हेयर यहां पे फालतू बाल

जी अच्छा जिन लोगों के हार्मोनल चेंजिंग्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आ, उनको फेशियल हेयर बनते हैं जिन खातन के हार्मोन्स जो हैं वो डिसबैलेंस हो रहे हो जैसे एफ एस एच एल एच प्रोलेक्टन ये उसको कंट्रोल करने के लिए और उसे ठीक करने के लिए और जिन लोगों को मंथली आयाम में भी प्रॉब्लम हो जाती है दो दो तीन तीन ती, महीने बाद पीरियड्स हो जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए आपने इसमें भी लेनी है दो चीज़ें एक लेनी है ये ढाक की लकड़ी इसको लूत पठानी भी कहते हैं ये आप लेंगे ये इसका पाउडर है ये हम लेंगे 50 ग्राम और ये है गाजर के बीज बिल्कुल जीरे की तरह होते हैं गाजर के बीज गाजर के, गाजर के।, गाजर के होते हैं। हाँ होते हैं। ले हमें यही सोचता था कहलाते हैं वो ये भी हम लेंगे पचास ग्राम गाजर में, तो में गाजर, नहीं होते पंसारी के पास होते हैं गाजर देखें गाजर उगते भी तो है ना आप देखें ना यार ठीक है इस तरीके से ये दोनों 50 50 ग्राम लेके बारीक पाउडर बना लें और एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ रोज़ आना लें और इसे कम से कम दो ढाई महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करें अपने मखसूस से आम के दिनों में इसे रोक लें बाकी स्टार्ट रखें इन शाला तला आपके प्रोडक्ट हैं एफ एस एस एल एट ये जो, जो डिसबैलेंस हो गए ये इन शाला तला बैलेंस में आ जाएंगे और आपका वेट भी कम हो जाएगा इससे और ये जो गर्मी फील होती है पसीना बहुत ज़्यादा आता है वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी और दूसरी चीज़ ये है के कोशिश कीजिएगा कि फार्मी चिकन फार्मी चीज़ों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में ज़रा कम कर लें और देसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें आप तो इन आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपके हारमोन्स डिसबैलेंस नहीं होंगे और अगर आप लोगों को जैसे बाजात हाथ पाँव जल रहे होते हैं पसीना यह गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है इसकी वजह से पिंडली में भी दर्द शुरू हो जाता है तो वो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो तो आपने इस पगोल दाना लेना है एक गिलास पानी में एक चम्मच मिला के एक टाइम रोजाना पिया करें इससे हाथों की जलन भी दूर हो जाएगी और ये पिंडलियों में जो दर्द दर्द फील होता है वो चीज़ भी दूर हो जाएगी जी फैसल भाई जी भाई थैंक यू तो हो गया जी हाँ तकरीबन हमने अपनी काफ़ी चीजें बता दी हैं जी कॉल ले, ले लेते हैं वालेकुम हेलो आवाज नहीं आ रही अच्छा ड्रॉप हो गई कॉल भाई ठीक है इसमें बात दूसरी करनी अच्छा एक चीज और भी है कि जैसे बाज लोगों का डायबिटीज का जो लेवल है वो अनबैलेंस हो जाता है हाँ। और देखें अपनी शुगर की दवा एक दिन के लिए भी आप उसको रोकिए नहीं अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा और जिसकी वजह से हाथ पों सुन हो जाते हैं तो आपने जामुन की गुठली लेनी है चंदन के पत्ते लेने और मगज करंजुआ लेना है तीन चीजें एक चीज मुश्किल जरूर डालते हैं बीच में नहीं मगज करंजुआ जो कहीं से ना मिले नहीं यार क्यों नहीं मिलती है यार ये <laughs> मिल जाती हैं ये सारी चीजें मगज करंजवा चंदन के पत्ते और है? जामुन की गुठली इनको मिला के पाउडर बनाएं एक चम्मच सुबह नाश्ते से पहले एक चम्मच पानी के साथ है। सुन लेंगे जी वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं असला जी कैसे हैं आप हुसैन साहब अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक करा मैं परवरदिगार का भजन आपको देख के बड़ी खुशी होती है हम लोग छोटे छोटे थे तो आप इतने थे अभी भी माशाल्लाह आप अस्सी खुशी हैं चलो अच्छी बात है यार हेलो हाँ. सर ये भी एक कुदरत की तरफ से एक फरमाया ही है ना सर आपको देख के में भी खुशी हो जाती है बड़ा अच्छा बड़े चित्र काम करते हैं बड़ी खुशी होती है थैंक 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 यू 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 यार थेंक यू, थेंक यू। तो आप बहुत लोग हैं जिन्हें देख के इंसान को वैसे खुशी हो जाती है ठीक है मुस्कुरा दूसरों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है यानी कि कि नबी पाक ने कहा अपने भाई को देख देखो कि मुस्कुरा के वो भी एक जा रही है दुआओं में याद रखा करें बस जी जी बहुत शुक्रिया सर बस आपसे सर बात करनी थी मारी भी दुआ कर दिया करें बाकी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे Thank आप Sir. दुआ क्या करें यार हमारे लिए आप Thank. आप बिल्कुल हमारे okay. लिए दुआ करें हम आपके लिए दुआ करें एक दूसरे के लिए दुआ करें हाँ मेरे लिए कॉल थी सिर्फ आपसे बात भी नहीं की उन्होंने <laughs> <laughs> मैं मजाक कर रहा हूँ यार मजाक मेरा शाह साहब का मजाक ज़रा ज़्यादा है हम ऑन एयर भी कर लेते हैं आज से नहीं ये हमारी चूँकि माशाल्लाह कोई दस ग्यारह साल से वी आर वर्किंग टुगेदर तो इसलिए मेरे लिए भी बड़े एजास की बात है जो मैं आपके साथ होता हूँ फैसल की बात है ये नहीं, नहीं की बात को है के, नहीं? मैं नहीं... के साथ आता एक मिनट फखर स्पोर्ट्स चैनल आपसे मुलाकात होगी अपना ख्याल रखे जा रहे छोटे सी ब्रेक पे बस ब्रेक से आते हैं फिर उसके बाद सोबत इल्म की तरफ बढ़ते हैं जी आप सबको खुश आमदेद कहते हैं सोबत इल्म कराम इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आज डॉक्टर मोहम्मद उमैर सिद्दीकी साहब हमारे साथ नहीं है इस्लामाबाद गए चूँकि इस्लामिक कौंसिल से उनका ताल्लुक है तो एक केस लगा हुआ उस सिलसिले में आ, ये भी साथ में ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ती है लेकिन हमारे बाकी जो पैनल है वो यहाँ पे मौजूद है आप सबको खुश आमदेद कहते हैं आज जब मैंने बात शुरू की तो हमने आ, ये कहा था कि आज जो जुल्म और बरबरीत है आ, उस पर हम बात करेंगे तो सादा अल्फाज में मोहम्मदी साहब अगर हम जुल्म की बात करते हैं तो जुल्म है क्या क्यों इसे जुल्म कहा गया है जुल्म असल में तारीकी है जुल्म लाई है जुल्म कजी है कम फ़ामी है जुल्म अंधेरा है और इसीलिए हदीस शरीफ में आया है कि म मात योमलक़्याम के मुजरिम के लिए ालम के लिए उसका कयामत के अंधेरों में मज़ीद अंधेरों का इजाफ़ा कर देगा जुल्म की अगर आप लफ्जी तारीफ़ करें तो जुल्म ज्यादती को कहते हैं किसी का हक मारने को कहते हैं किसी पर किसी के साथ बुरा सलूक करने को कहते हैं और जुल्म की अगर आप लोभ तारीफ़ देखें अफ़ के अतबार से तो फरमाया गया है कि किसी शय को उसके असल मकाम पर ना रखना असल में जुल्म है इसीलिए ने जुल्म की तीन किस्में की हैं और उसमें सबसे पहला जो जुल्म है उसे शिर्क को करार दिया है जैसे कि कुरान करीम खुद फरमाता है सुरमान में कि न शर्क अला अजीम सबसे बड़ा अगर कोई जुल्म है कायनात में तो वह शिरक है यानी अल्लाह ताला का जो मकाम है आप उसे उस मकाम से उतार कर मखलूक के मकाम पर ले आएँ ये नाउज़बिल्ला मखलूक को आप खालिद के मकाम पर पहुँचा दें ये सबसे बड़ा जुल्म है। फिर दूसरा जुल्म यह है कि आप अल्लाह रब्लम के जो हकूक़ हैं उन्हें अदा करने में कतराएँ मिसाल के तौर पर अल्लाह जो अहकाम दिए उनकाम को पूरा जैसे गुना कहते हैं गुना है कबीर हैं गुना शगीर है हैं अच्छा इनके हवाले से अल्लाह तरमाया कि अगर अल्लाह चाहे तो उन्हें माफ़ कर सकता है शिरक को अलबत् अगर तोबा किए बग़ैर कोई मर जाए तो कभी भी वो माफ़ नहीं होगा अलबत् ये जो गुना हैं जिन्हें हम हक़ूक अल्लाह से ताबीर करते हैं जो ऐसी ताबीर में आते हैं अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे तीसरी किस्म उन मजालिम की है जो इंसान इंसान पर करता है हदीस शरीफ में आता है हदीस हदीत कुछ अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैंने अपने ऊपर को हराम कर दिया है और तुम्हारे माबेन भी म को हराम कर दिया तो तुम एक दूसरे पर म ना करो ज़्यादती ना करो नबी करीम स्लम की आमद से कबल या ज़्यादी का दौर दौरा था और जितना बड़ा कोई ालिम होता उतना ही बड़ा उसे बहादुर समझा जाता था यानी माइट इज़राइट का कानून था जिसकी लाठी उसकी भैंस जो आज भी बहुत सी जगहों पर चल रहा है मैंने एक दफ़ा आप ही की महफिल में यर्ज़ किया था कि हर शख्स अपने मदार में फ़िरौन बना हुआ है जिसका जितना इख्तियार है जितनी कुदरत है वो चाहता है कि बस वो किसी को माफ़ न करे जुल्म करे बदला ले और बदले में भी ज़्यादीती का मरतकब हो जाए तो जो तीसरी कस्म हकूक लबाद से मुतल है वो बहुत ही संगीन कस्म की है जिसके बारे में आता है कि उस बारे में अल्ला रब्लम तमाम तर इख्तीार रखने के बावजूद भी मामला उन दोनों के दरमियान रख देता है कि तुम जो िम है और तुम जो मज़लूम हो आपस में मामले को निपटाओ अगर तुमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया और सुलह सफ़ाई कर ली कल दफे वरना मैं इस मामले में माफ़ नहीं करूँगा हती कि एक मकरूज़ जो किसी का कर्ज़ लेकर फौत हो गया और कर्ज़ अदा नहीं कर सका नबी करीन स्लम के सामने जनाजा लाया जाता तो आप फरमाते हल अल ही उन क्या इस पर कोई कर्ज़ है कहा जाता है कि रसुल्ला कर्ज नहीं है तो आप उसका जनाजा पढ़ा देते और आप जैसी हस्ती ज्यादा पढ़ाए तो उसकी नसीबों के क्या कहने होते हाँ, ना कभी ना ऐसा हो। भी होता है कि आपकी मौजूद आप, आप फरमाते को इस पर कर्ज है तो कहा जाता जी हाँ कर्ज़ है फरमाते कि कोई अदा करने वाला है तो कहा जाता नहीं अदा नहीं इसके पास माल भी नहीं कि अदा किया जाए तो आप फिर पीछे हट जाते और फरमाते तुम अपने भाई का जनाजा पढ़ लो मैं नहीं पढ़ाऊँगा मोहम्मद रुके कॉल ले लें फिर ड्रॉप हो जाती है वरना अस्सलाम वालेकुम मैं ठीक हूँ सीमा जी आप सुनाइए आप कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपका टॉपिक बहुत अच्छा है बहुत खूबसूरत टॉपिक है मैं इसके वजह से इतना कहना चाहूंगी कि जुल्म तो हर इंसान को पता है कि जुलम क्या है पाकिस्तान में जुल्म जो है ना वो इस वक्त सबसे बड़ा ये महंगाई का जिस किस्म की महंगाई जुल्म हो रही है तो वो एक एक मिडिल क्लास के लिए जुलम है क्योंकि गरीब तो फिर मांग लेता है अमीर का जुख लेता है जो हम सफेद पोष लोग हैं ना हमारे साथ बड़ा तो जुल्म है कि ना हम मांग सकते हैं और ना हम खरीद सकते हैं और सबसे बड़ी जालिम जो है वो हुकूमत है वो इस तरह से कि उन्होंने हर तरह की जो प्रॉब्लम है उसके से आंखें बंद की हैं ठीक है उन्होंने बिल्कुल कबूतर की तरह अपने आंखें बंद कर दी है कि शायद हम आंख बंद करेंगे तो हम बच जाएंगे ऐसा नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कु होगा। बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ती जाएंगी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रेबी अगर गवर्नमेंट जो है वो आ, 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 वो दे मतलब कोई इनिशिएटिव ले तो जिसकी वजह से महंगाई कंट्रोल हो सकती थी कि एक जगह के तरबूज दो सौ रुपए का बिक रहा है और एक जगह पे सौ का बिक रहा है लेकिन दो सौ वाला भी ये कह रहा है कि मंडी से महंगा और सौ वाला भी मंडी से महंगी की बात कर रहा है ये पॉसिबल नहीं है ना इसका मतलब है कहीं ना कहीं करप्शन हो रही है लेकिन इसके साथ मेरा एक और सवाल है और वो सवाल ये है मौलवी साहब से कि जक़ात का हकदार कौन होता है जैसे कि मेरे जानवे अंदर शोहर या खाला के लिए ठीक है वो उनका अपना जाती घर है

ऐसा लग रहा था याद किया हुआ बहन ने वो आ, मैं ये कह रहा था सैयद तो नहीं है वो लोग नहीं नहीं अच्छा बस नहीं। ये ये मैंने पूछना मेरे लिए जरूरी था ना आसान हो जाएगा जवाब नहीं। आपको नहीं। देना थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल देखें पहली जो बात है मैं उसका एक मैं जवाब दे देता हूँ बाकी जो आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया उसका जवाब हमारे उलमा कराम दे देंगे आपने जो बात की है सियासत की या सियासतदानों की या हुकूमत की पिछले आपके सामने है पिछले ढाई साल से हम स्टेबल कंडीशन में नहीं थे सो स्टेबल कंडीशन ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं ऑब्वियसली uh, uh, कोई भी नहीं चाहेगा uh, कि uh, कोई हुकूमत जो है उस पर ये इतना बड़ा इल्ज़ाम धरा जाए कि जी uh, महंगाई की वजह से uh, सारा कुछ हो रहा है जो हुकूमत ने पीडीएम बना के जो हुकूमत गिराई वो इसी वजह से कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है वही मेन कार्ड था आ, जो चला गया अब आ, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है स्टेबल नहीं रही हुकूमत के कोई फिक्स हो कि हाँ पाँच साल के लिए हुकूमत रहेगी ताकि कोई पूरा मंसूबा जो है उस पर काम हो सके तो अब अल्लाह करे हुकूमत बनी है पाकिस्तान में अल्लाह पाक आ, उनको भी अक्ल दे हमें भी इतना शूर दे कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें बाकी मेरी बहन का एक सवाल था कि वो जो साहब हैं आ, उन पर ज़कवात जायज़ है कि नहीं है काम नहीं है उनके पास कोई उन्होंने खातून का जिक्र किया है कि खातून है उनके बाद मकान तो है हाँ। अलबत् एक तो कोई जरा आमदन नहीं है बच्चे हैं एक बेटी सत्रह साल की और दो बच्चे हैं लेकिन कोई भी काम नहीं है तो देखिए मकान तो इंसानी ज़रूरत है और बुनियादी ज़रूरत है ताहम अगर वो उस दर्जे में आते हैं जैसे कुरान ने कहा है लिलफु़ारा यानी अगर वो फ़कीरी के मकाम पर आते हैं कि खाने को कुछ भी नहीं है कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना सोना है है ना सोना है ना चांदी है काम तो नहीं है लेकिन अगर सोना उनके पास है जो निसाब को पहुँचता है या बाढ़े बावन तो चांदी उनकी रक़म के मुताबिक बकादर रकम मौजूद है तो फिर तो वो ख़ुद ज़कूँत देने वालों में शामिल होंगे तो होना ही चाहिए कि कोई ना कोई छोटा सा कारोबार या कोई ना कोई ऐसा छोटा सा, सा स्मॉल जो बिज़नेस होता है या घर के अंदर जो कॉटेज इंडस्ट्री लगती है कोई ना कोई ऐसी निकालनी चाहिए क्योंकि जकवात बहरहाल वो मैल है इंसान के माल का तो कोई महमूद चीज़ नहीं है उसका लेना तहम देना बहुत पसंदीदा है अलबत् ये कि अगर वो मिशी के दर्जे में आते हैं कि इतना तो है उनके पास कि उनका गुजारा बमुश्किल हो रहा है तो भी वो ज़कवात वसूल कर सकते हैं ताहम जिन लोगों ने यह सोचा है कि इनके पास मकान है तो ये ज़कवा़त नहीं रह सकते उनका दुरुस्त नज़रिया नहीं है नहीं है। मकान तो ज़ाहिर बात है बुनियादी ज़रूरत है तो अगर वो मकान नहीं होगा तो कहाँ रोड पर रहेंगे ठीक है शाह जी कहा डॉक्टर साहब ने कि शरा फ़कीर जो होता है जिसके पास इतना माल ना हो कि वो साढ़े बावन तोले चांदी ख़रीद सके और हाँ। उस पर पूरा साल गुज़र जाए बहुत आसान मसला है लोग असल में सुनते गौर से नहीं हैं इसको थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ कि जैसे आज रमज़ान मुबारक की सोलह तारीख़ है आज सोलह तारीख को मेरे पास इतने पैसे आ गए रमज़ान की सोलह तारीख को अच्छा जकवात देते भी कमरी महीनों के एतबार से शमसी महीनों के एतबार से नहीं देते ये इस्लामी मसले जितने भी हैं सब कमरी महीनों पर चलते हैं शमसी महीनों पर नहीं चलते बुनियादी बात ये याद रखें इस मसले को मैं ताकि मैं समझ चाहता हूँ कि जितने लोग सुन रहे हैं तो उनके लिए आसानी हो जाए बिल्कुल आसान करने की कोशिश कर देता हूँ जी जो तो डॉक्टर साहब ने बात की उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ आज सोलह तारीख को मेरे पास साढ़े बावन तोले चांदी जितनी रकम आ गई ठीक और ये रकम मेरे पास बैलेंस में पड़ी हुई है बैलेंस में पड़ी हुई से मुराद ये कि इस रकम से मैंने अपनी सारी जरूरियात पूरी करके ये बचा लिए यूटिलिटी के बिल दे दिए हैं बच्चों के जो है फूसिस दे दी, दी हैं वैन वाले को पैसे दे दिए हैं अपनी गाड़ी का किराया निकाल लिया है पेट्रोल पूरा कर लिया है सर्विस करवा ली है चौकीदार को यानी आपकी जहाजत असली है जितनी इसको कहते हैं हाजत है ये उर्दू का लफ्ज़ लोग परेशान हैं तो इसको आप यूटिलिटी कह दें तो शायद लोगों को समझ आ जाए इसके बाद मेरे पास इतने पैसे हो गए कि यार मैं ये पैसों से साढ़े बावन तोले चांदी खरीद सकता हूँ ये मैंने रख दिए बैलेंस में रख दिए अब इस पर इसको कहेंगे कि आज 16 तारीख को 16 रमजान को मैं साहिब निसाब हो गया अब इस पर जक़ात फर्ज का नहीं अभी नहीं है इस पूरी रकम पर पूरा साल गुजर जाए अगले साल सोला रमजान आ जाए और ये रकम एज इट इज मौजूद रहे हाँ। सही है। ये मौजूद रहे या ये बढ़ जाए बढ़ जाए तो फिर भी जकत और अगर इस इसमें से एक रुपया भी निकल गया फैसल भाई एक रुपया भी उसने खर्च कर दिया फिर भी उस पर जकत नहीं इतना आसान मसला है बस अब चाहे वो कोठियों में रहता है अब वो चाहे मेरा मेरा इसी पे एक छोटा सा सवाल था बिकॉज uh, मैंने कुछ चीजें देखी ये मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ कोई काम करता है मतलब ही इज ऑन जॉब लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है

ये जो आ, एन जी ओज़ वग़ैरह जैसे सैलानी है और इसी तरीके से ये जो इदारे मज़बी इदारे जो एन जी ओज़ चला रहे हैं शरीफतारी की मैंने इनसे मालूम की थी आपकी मालूम के लिए भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये लोग ज़क़ात की रकम से शेरीफतारी नहीं देते अच्छा अच्छा अगर ज़क़ात की रकम एन जी ओ हाँ, हाँ उसकी वजह है उसकी वजह यह है कि चूँकि ज़क़़त के लिए आप जिस शरीफ़ फ़कीर को ज़क़़त दे रहे हैं उसे मालिक बनाना शर्त है अब होता क्या है कि वो जैसे ही वो वो डब्बे वो छोड़ के चले जाते हैं तो अब वो उठा के अब ना भी छोड़ के जाते तो जल्दी जल्दी खा लो भाई अब वो उठा के ले जाते हैं सारे अब इसके अंदर मिल्कियत नहीं पाई जाती तो ये एक ऐसा मसला है इससे बचना मुश्किल था आज जो एन देती हैं कि ले जाओ भाई आपकी अपनी है और वो कहती हैं कि भाई ये ज़क़त की रकम है तो अब हकदार को चाहिए कि वो खुद देख कर वो खुद देख कर लें लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक जले हुए दिल की बात कर लूँ कि पुलिस वाले अक्सर ऐसा होता है कि हमारे भाई हैं हमें उनकी मोहब्बत करनी चाहिए अब ईद की नमाज़ होगी सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ के निकलेंगे पुलिस वाला बेचारा गेट पर खड़ा होगा और भाई उन्हें थोड़ा तो के कसूर किया है उन्होंने भी गलों गले ला लो उन्हों भी मिल लो अच्छा वो समझते हैं कि यार ये कोई स्टेच्यू है ये खड़ा हुआ है अब ये जो पुलिस वाले भाई हैं इन बेचारों की इतनी तनख्वाह नहीं होती जो ईमानदार है जो दयानदार है इनकी इतनी तनख्वाह नहीं होती तो अब वो अगर कहीं बैठ कर जो इस तरह शेरी इफ्तारी कर रहे थे तो हम लोग ऐसे देख रहे हमारी कौम ऐसे देख रहा यार ये भी शेरी कर रहे ये भी जो है ये यहाँ पे बैठ के जो पथाड़े पे बैठ के इफ्तारी कर रहे तो भाई उसकी इतनी तनख्वाह नहीं है उसके पास इतनी रकम नहीं आई वो मालिक का निब नहीं हुआ वो शरीफ फकीर है तो वो खा सकता है बस वो uh, कितना कह रहे हैं बावन साढ़े बावन तो लेवन टू पॉइंट चांदी अगर उसका हिसाब निकाल लें तो इतने पैसे अगर आपके अकाउंट में पड़े तो इसका मतलब है कि आप देड़ फिर से नहीं लें लेकिन डेढ़ लाख रुपये कमा डेढ़ पौने दो लाख रुपये अगर आपके अकाउंट में है तो फिर आ, आप निकल जाते हैं उससे लेकिन अगर है तो फिर सिर्फ सेविंग के लिहाजा मेरा जुल्म के हवाले से सवाल चल रहा है और इस पर मेरी जो हमने पढ़ा कि जो लोग जुल्म करते हैं अल्लाह रस्सी ढीली छोड़ता है लेकिन एक वक्त आता है कि वो रस्सी ज़रूर खींचता है इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तकलीफ़ एहसास और दिल रखने वाले लोग हैं वो मुंतज़र हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह वो रस्सी खींचे उन लोगों की जो मुजालिम हैं इस वक्त फ़लस्तीन के तो वहीं पर हम बड़ा परेशान होते हैं इस बात पे कि ये क्यों अभी तक अल्लाह ये ढील दी हुई है हम हम इस बात पे हम सभी बड़े हाई परेशान हाई 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 हैं देखें बड़ा हम हम बड़ा सही बात है। ये वाला सवाल, सवाल तो अल्लाह तो से ने ने करते हैं कि अल्लाह कब तक आखिर कब तक और कितनी लाशें और कितने शहीद और कितना जुल्म अब जुल्मार साहब से पूछ रहे हैं मुझसे पूछ रहे हैं सबसे पूछ रहा हूँ आप इस पे शेर साहब आप 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 बिस्मिल देखिए मैं बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम जो मुसलमान हैं हमारी अपनी भी गफलत है देखिए मैं हो सकता है आपका ओपिनियन इससे अलहद हूँ उनका अलहदा लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी अपनी गफलत है वो हमें उस दिन शेर साहब ने एक बात की थी कि वो थोड़ा थोड़ा हमें चेक करते रहे और हम सोए रहे हमने कभी भी उन्हें जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया चाहे वो कोई भी है गैर मुस्लिम कोई भी है यहूदी हैं नसरानी हैं तो उन्होंने जब ये देख लिया कि यार ये लोग जो है वो बिल्कुल आराम सुकून से बैठे हुए ये गाय बन चुके हैं सारे कि वो इकबाल ने कहा था ना कि असीर जुल्फ रुखसारे लबे जाना हुआ मुस्लिम असीर जुल्फ रुखसारे लबे जाना हुआ मुस्लिम कोई इकबाल से कह दे तेरे शाहीन मर गए अल्लाह। तो इकबाल का जो शाहीन है आज वो ज़िंदा नहीं रहा मादरत के साथ फैसल भाई अगर आज इकबाल का शाहीन जिंदा हो तो वो बातिल के गले में हाट डाल के उसके मकाम गरगरा से उसकी टली को खींच के बाहर निकालने की ताकत रखता है किबाल ने ही तो कहा था कि तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे कि ये वो मुसलमान था कि जिसकी निगाह उठती थी तो यहूद नसारा के जो है दिल सीनों के अंदर कांप जाते थे तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे छीना गया है तेरा जज्बे कलंदराना कि वो जो तेरे अंदर एक जज्बे कलंदराना था मैंने उस दिन एक बात अर्ज़ की थी कि क़दरत सहीदना खालिद बिन वरीद रदील तरद नगर से बहुत खूबसूरत इंसान थे लेकिन आप जो है जहरी डेल डोल के अतबार से जो है वो कमज़ोर नज़र आते थे तो रूमियों ने आपको हंस के देखा तो कहा कि ये कोई पहलवान है ये तुम्हारा कमांडर है तो हजरत खालिदी वन्ना ने उनके एक सुरमा के ऊपर हाथ डाला अपना बाया हाथ डाला दया नहीं बाया हाथ डाला और उसको ऊपर उठा के कहा कि सुनो हम इससे नहीं लड़ते हम नबी पाक पर जो ईमान लाए उसकी ताकत से लड़ते हैं असल में मसला यह हो गया कि यूं तो सैद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी यह बताओ कहीं तुम हो क्या कहीं मुसलमान भी अब मसला हमारे साथ ये हो गया है कि हमने इस्लाम की जो बुनियादें उन बुनियादों को हमने समझना छोड़ दिया आजमाइशें लाई कि सुल्तान महमूद गजनवी कोई एक दफा तो हिंदुस्तान को फतेह करके नहीं गया मादरत के साथ एक दफा में तो वो हिंदुस्तान फते नहीं किया हमले किए तब जाकर उसने हिंदुस्तान को फतेह किया आप ज़्यादा दूर नहीं चाहिए ये अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है इस पर कितने जुल्म के पहाड़ टूटते रहे आप देखिए कि ये ये जिदोजहद इनकी जारी रही ये लगे रहे तो अल्लाजल मजदुल करीम ने इनको फते और नुसरत कामयाबी और कामरानी अतः फरमाई एक बात तो ये कि हम बुनियादी तौर पर जो है हम लोगों ने उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना छोड़ दिया लेकिन हजरत इसमें होता ही है मैं माजर के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जब इस तरह से कुछ होता था जैसे फ़्रांस में नाउ कोई कार्टून बनाया गया कुछ इस तरह की चीज़ हुई तो हम नुकसान अपनी जो, हम अपने एटीएम जला रहे हैं अपनी बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं अपनी सड़कें खोद रहे हैं हम तो यहाँ पे नुकसान रहे हैं। पहुँच तो हराम है सब ओलमा इस बात पर मुत्तफिक है आज सुबह इस शहरी के प्रोग्राम में मैं यहाँ पर रहता इसी पर डिस्कस हुई और चार पाँच ओलामा बैठे हुए थे सब ने इस बात को एग्री किया कि मुसलमानों के, के इमलाक को नुकसान पहुँचाना हराम है बिल्कुल आप ये देखिए कि अभी दो दिन पहले मेरी और आपकी और यहाँ पर यह बात हुई है बाकायदा कि जब हजरत उबकर हज़रत मर फ़ारूक सरकार गनी मौला कायन हदर कर्रार जब काफ़िले भेजा करते थे जब लश्कर जर्रार तैयार करके भेजा करते थे तो वो ये कहा करते थे कि किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाना किसी उनके मज़दत शख्स को नुकसान नहीं पहुँचाना और किसी नादान को यानि किसी कमज़ोर को नुकसान नहीं पहुँचाना जो तलवार उठाए उसके खिलाफ तलवार उठाना इवन के हजरत फारूक के दौर के अंदर यह भी ऐलान किया गया था कि मुस्लिमों की जो इबादत गा पहुंचाना को, मंदिरों को। जब तक खेत खलियान दरख्तों, दरख्तों को नुकसान नहीं देखिए ना फते मक्का हो रहा है और नबी पाक जो है सल्लाम आज तो वो दिन था कि मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद फातेहाना अंदाज से दाखिल हो रहे थे और अटैक वॉर ये अटैक वॉर कर रहे थे नबी पाक अली अलीसलाम लेकिन कहते हैं कि रावी कहते हैं हमने देखा कि नबी पाक अली सलाम का सर अनवर जो है वो काला इमामा मुबारक आपने बांधा हुआ था एक शिमला जो है वो इस तरफ़ से ऐसे लटका हुआ था और एक शिमला इस तरफ से ऐसे लटका हुआ था और आप सलाम का सर अनवर इतना झुका हुआ था और आप रो रहे थे और नबी पाक अली सलाम जो है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और साहबा कहते हैं कि ऊँट की पालान के साथ आप सलाम का इमामा लगता था आप ऐसे सर को उठाते नहीं थे उसकी वजह क्या थी उसकी वजह यही थी कि नबी पाक अलीसरा इस्लाम अकवाम आलम को दिखाना चाहते थे कि इस्लाम किसी का नुकसान बर्दाश्त करने नुकसान किसी को देने के लिए नहीं आया और ना पैगंबर इस्लाम किसी का नुकसान बर्दाश्त कर सकते और फिर देखे ना कि ऐलान कर दिया गया कि आज नबी पाक के जानी दुश्मन थे जनाब अब सुफियान जब ईमान नहीं लाए थे जानी दुश्मन थे नबी बाग ने फरमाया आज उसके घर में भी जो चला जाएगा उसे अमान मिल जाएगी तो फिर आप ये देखिए ये जो लोग हमारे अमला को नुकसान पहुंचाते हैं और आपको एक कानून बताऊं यहाँ पर शायद आपके इल्म में ना हो चुके हमारा हमारी ये फील्ड है एक कानून बताऊं कि आप मुल्क और कौम के जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले की जिस गली में रहते हैं उस गली का भी आप जो है वो वो रोड बंद नहीं कर सकते उस गली को आपको बंद करने की इजाज़त नहीं है आप पहले मुतल थाने को इतला देंगे फिर उसके बाद आप डी सी से इजाजत लेंगे और वो वक्त आप उसको लिख कर देंगे कि इतने वक्त से इतने वक्त तक हमारी मसरूफियत है इस रोड पर अगर आप उस वक्त के दौरान उस बात को निपटा लेते हैं तो ठीक है अगर नहीं निपटाते तो वो आदमी जो इजाजत लेने आया था उसके खिलाफ कानूनी कारा जोई, चारा जोई करने का हक रखा जाता है ये कानून कोई ऐसे नहीं बने ये कानून इस्लाम के कानून है तो जब इस्लाम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता तो फिर आप ये बताइए कि ये जो लोग ये इस तरीके से हमारे इमलाक को मुसलमानों के इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं किस मुंह से नुकसान हैं देखें इस पर तो बड़ी लंबी बात हो सकती है एक एक इशू हमने रिकॉर्ड भी किया था मैं टीवी वन पे ही था ईद मिलादुलनबी पे बिजली चोरी करके लाइटें जलाते थे तो मैंने जब उनसे बात की कि यार ये नहीं करो यार ये नहीं करो मतलब अप, अपनी दुकान से दे दो ना बिजली सही सही तो ये खंबे से क्यों तार लटका रहे हो तुम लोग तो वो हमसे लड़ पड़े आराम है ये भी आराम है बिल्कुल वो हमसे इस्लामी जमहरिया है ये, ये कोई बात है। आप हर भी मुल्क में तो नहीं रह रहे अब हमारा मसला ये हम एक्टर लोग हैं हमारे ऊपर तो सीधा ही फतवा आता है ना फिर अब आपने अगर दाढ़ी रखी हुई है तो भाई आप इस्लाम के की अलम्बर तो नहीं है यार फैसल भाई हर दाढ़ी वाला साहब फतवा नहीं है नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ भाई लड़ पड़ते हैं सही सही हम हमारे कैमरे वैमरे तोड़ने लगे थे लोग भागे वहाँ से हम तो तारिक रोड पे थे बिल्कुल फैसल भाई आपने बात की अभी कि जी अल्लाह तआला कितनी ढील देगा क्यों हाँ। ढील दे रहा है इतना कुछ हो रहा है यहाँ पर फ़लस्ती में गा में ग़ा से पहले गोलान की पहाड़ियों पर हुआ हाँ, उससे पहले खान यूनुस में हुआ उससे पहले भी कश्मीर में भी कश्मीर पर हो रहा है रोहनगिया में हुआ आप और हम भूल रहे हैं जो चेचनिया में हुआ नाइन्टी टू से लेकर नाइन्टी सेवन तक इस पाँच साल तक वहाँ पर नसल कुशी हुई मुसलमानों की बाईस तेईस लाख मुसलमान वहाँ शहीद कर दिया गया अल्लाह लेकिन किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया अच्छा वो बिन गोरियान इनका एक वज़ी खादा वजीर फिर बाद में वज़ी अजम भी बना था उससे इन्होंने कहा था कि भाई वो मुसलमानों की किताब कुरान में लिखा है कि जी मुसलमान आ रहे हैं और ये जो है ना मलिया मेट कर देंगे और सब कुछ कह कह रहे मुसलमान आएंगे ना मुसलमान होंगे तो आएंगे हजरत यहीं से कंटिन्यू हाँ करते हैं मैं लगान की अज़ान का वक्त है यहीं से कंटिन्यू करते हैं सल्ली सल्ली जी हजरत सलामैकम जी खुश आम देद हमारी बात बीच में रह गई थी जी मैं ये कह रहा था कि उस यहूदी को भी पता है कि अल्लाह ने कुरान में जो एड्रेस किया है वो मुसलमानों को कि मुसलमान आएंगे फतेह करेंगे और इनकी ईट सेट बजा देंगे लेकिन उसको भी यकीन है कि मुसलमान होंगे तो आएंगे तो ईंट से तो सबसे पहला हम ये सवाल करने वाले होते कौन है कि अल्लाह ताला कब ढील बंद करेगा कब रोकेगा और कब उनको एक ऐसी खिंचाई लगेगी कि मुंह के बल गिरेंगे और उठेंगे नहीं सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क हमारी ईमान पर आ रहा है हम इतने सारे लोग बैठे हैं इतने बावन ममालिकतावन ममालिक पौने दो अरब मुसलमान तो ये मुसलमानों को सबसे पहले मैं समझ इसी में ही सवाल है इसी में ही हमारे पास जवाब है एर हम मन फिर तो हम फिर मकाल खुद उन्हें फरमाया तुम जमीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाया तो अब आ, हम जमीन वालों पर खुद हम रहम नहीं कर रहे तो फिर आसमान वाला हम पर क्यों रहम करे भाई अब रही बात क्या जी उन्होंने क्या बिगाड़ा है उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा उनके दर्जात बुलंद हो रहे हैं उनको इनामात मिल रहे हैं उनको अगर ये खैर एक बहुत आ, मेरा ख्याल एक स्टूपिट सी मेरी लेम सी एक्सक्यूज है कि जी क्यों जी वो लोग उनको शहादत मिल रही है चलो जी तो चलो भाई आओ हम भी वहाँ जाएँ हमें भी शहादत मिले शहादत का तो मैदान खुला हुआ है लेकिन हमें आने नहीं दिया जा रहा ये भी देखो ये भी है ना हमें लो आने लो भी नहीं दिया जा रहा बट द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल एंड आंसर इज ऑल्सो वेरी सिंपल कि जब तक हम पक्के मुसलमान अपने ईमानों को तोलने वाले खुद नहीं होंगे अपने गरीबानों में झांकने वाले नहीं होंगे हम फ़लानी जी आपसी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है और कुरान करीम फ़रमाता है कि इन अग़ैरु माब कौमिन माब अनफुसम और वलन तजे सुन्नत ही तब्दीला कुरान में तो अल्लाह फरमाता है हर गिज़ तुम अल्लाह के तरीक़े को बदला हुआ नहीं पाओगे अल्लाह का तरीक़ा यह है कि इन तनसरल्लासुरुम पहले तुम्हें मैदान में निकलना होगा जब तक तुम अपनी हालत नहीं बदलोगे अल्लाह तुम्हारी हालत नहीं बदलेगा अपनी तमाम मेहनत करके अपने तमाम ईमान को अरूज पर पहुँचा कर जब तुम तो मैदान में निकलोगे कफन बांध के फिर अल्लाह की मदद आएगी और जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि उन्हें तो शहादत मिल रही है आजमाइश तो हमारे लिए है और किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि तुम कहते हो कि ए अल्लाह जिस तरह तूने अब्राहा के लश्कर फील को अंजाम से दोचार करने के लिए अबाबिल भेजे थे उनकी कंकरियाँ छोटी छोटी कं... दोबारा भेज दे अब अगर वो आई ना अबाबिल तो उन पर नहीं बरसेंगी वो इन मुसलमानों पर बरसेंगी डेढ़ अरब के करीब जो मुसलमान हैं जो दुनिया के आशिक हो चुके हैं जो मौत से कराइत करते हैं जो रसूलुल्लाह का रास्ता छोड़कर कर दुनिया परस्ती का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं उन पर बरसेंगे क्योंकि जब जनाब मुत्तलिब उस दौर में थे और वह अबरा के पास गए कि मेरी बकरियाँ और मेरे ऊंट वापस कर दो तो उसने हैरान होकर कहा कि आप तो मुतवली हैं बैतुल्ला के मैं तो समझता था उसके बारे में कोई आप मुदाक्रत करने आएंगे उन्होंने कहा जिसका घर है ना वो खुद तुमसे निमट लेगा तो अगर मुसलमान होते तो तब भी अल्लाह ताला का तरीक़ा ये होता मुसलमान पहले बाहर निकले बदर में हुजूर करीम कभी ना निकलते उहद में कभी अपने दंदार मुबारक शहीद ना कराते खंदक के मैदान में कभी आपके शिका में मुबारक के पत्थर ना बनते अल्लाह ताला की मदद पहले आ जाती लेकिन अल्लाह का कानून का यह है कि मुसलमान आए और फर मैं अन तुम इन कुल तुमिन गलबा तुम्हारा होगा अगर तुम ममिन हो गए सुबह सुबह डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ हम खुद भी बहुत सारे जुल्म करते रहते हैं मैं शुरू में बात कर रहा था किसी का हक़ खा जाते हैं जितना हमारा हक नहीं है उतना हक़ ले लेते हैं आ, किसी के बारे में कोई भी बात कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपनी जान से चला जाता है किसी के लिए कुछ भी कह देते हैं जिससे उसकी जो शहरत है आ, व, उसमें हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पे आम घरों में कहीं पे भी बैठ के किसी के भी बारे में कोई भी राय कायम करके उसके बारे में कुछ भी कह दिया जाता है कुछ भी अच्छा ताकि उसको नुकसान पहुंचा सकें जिससे आपकी एक न जाने किस चीज़ की जेलेसी है किस चीज़ का वैर है किस चीज़ का आप उससे बदला लेना चाहते हैं तो ये भी जुल्म के ज़मरे में आता है मैं आज जब मैं बात कर रहा था तो मैं ये कह रहा था कि पूरी दुनिया गैर मुस्लिम मुस्लिम लड़ाई में पड़े हुए हैं कि किसी तरह से उस वक्त फ़लस्तीन का मसला बहुत गर्म था बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व था लेकिन आधे पाकिस्तान को ये फ़िक्र थी कि इस क्रिकेटर ने इस एक्ट्रेस से और इस एक्ट्रेस ने इस क्रिकेटर से क्यों शादी कर ली और जिसके शो पे थे उसको अलग बुरा भला कह रहे हैं उनको फ़लस्तीन का कोई लेना देना नहीं था वो उन दोनों के पीछे पड़े रहे ना उनमें से कोई उसका चाचे का पुत्र है ना उसके कोई मामे का लड़का है ना वो उस लड़की को जानते होंगे ना वो उस लड़के को जानते होंगे पर्सनली उन्होंने जो देखा है स्क्रीन पे देखा है उनको सो ये जुल्म नहीं है कि आप असल मकसद को छोड़ के आप किसी भी एक चीज़ के पीछे लग जाए जिसमें आपको मजा आ रहा है आपने इंतहाई अहम सवाल उठाया है ज़ाहिर जुल्म के हवाले से अभी भी काफ़ी गुफ्तगु हुई जुल्म के कई अकसाम हैं एक तो अल्लाह इज़्ज़त के हवाले से इंसान अगर उनके फरामीन के ऊपर अगर अमल न करे उसके दीन के अंदर अगर कोई तब्दीली ईजाद अगर कर दे उसके साथ अगर कोई शिरक कर दे तो ये जुल्म है एक जुल्म का ताल्लुक़ इंसान के अपने नफ़ से है इंसान अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो वो कि अपने नफ़ के ऊपर अपने बदन के ऊपर म कर रहा है अपने आप को अल्लाह रबुल्ज़त के अजाब का हकदार ठहरा रहा है तो ये अपने ऊपर ऐस जानेब आप ने इशारा फरमाया ये बंदुँ के हकूक़ के हवाले से और बंदों के हकूक़ अल्लाह रबुल्ज़त के जो बंदे हैं उनके हकूक़ का अगर ख्याल न रखा जाए तो ये सबसे बड़ा है। आम तौर पर इंसान अपने ऊपर भी जुल्म कर लेता है लेकिन दूसरों के हकूक का अगर खुदा खास्त ख्याल न रखा जाए जैसे कि आपने इशारा किया अब इसमें दूसरों के ऊपर जो है तहमद लगाना दूसरों की बुराई करना दूसरों की गिबत कर लेना उनकी जानब ऐसी नस्बतें दे देना कि जो चीज़ें उनके अंदर नहीं पाई जाती ठीक है उनको माशरे के अंदर रुवा करने की कोशिश कर लेना उनके खल उनके कामों को रोकने की कोशिश कर लेना हसद की वजह से बोख की वजह से इनात की वजह से तो ये सारे काम जो है वो जुल्म में आ जाते हैं जब इंसान दूसरों के ऊपर जुल्म कर धें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन यहाँ पर एक असूल भी ये है कि इंसान अगर बाद में तोबा भी अगर कर ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर माफ़ी का तलबगार भी अगर हो तो वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं कि जिनका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से है लेकिन जिनका ताल्लुक बंदों से हो जिनका ताल्लुक नाश से होना हु, से हो उनको ताला उस वक्त तक माफ नहीं फरमाता जब तक वो बंदे माफ नहीं करेंगे तो, तो कहा तो जाके उससे माफी मांगेंगे ये मामला तो फिर इंसान के कंट्रोल से ही बाहर हो जाता है तो इसीलिए कहा जाता है ना कि इंसान अगर कोई बात अगर हूँ हमारा वो बच्चा मशल खान जिसको मार दिया बिल्कुल एक झूठे

वो रो बाहर आपको दीनदार भी नज़र आएंगे तो ऐसे तमाम अफराद जो है असल में अल्लाह अल्ला इज़्ज़त की तालीमात से गफलत का शिकार हैं अल्लाह रबुजत की तालत को नहीं जानते अपने ऊपर भी म कर रहे हैं पूरे माशरे के ऊपर भी म कर रहे हैं और जिस बंदे को उन्होंने निशाना बनाए उसके ऊपर भी म कर रहे होते हैं जाहिर है इसकी वजह से माशरे के अंदर बदमनी पैदा हो जाती है मुआरा नामन हो जाता है और जिस मुआरे के अंदर कोई बदमनी अगर इंसान पैदा कर ले जिसकी वजह से बाकी लोगों की जानें भी अगर ख़तरे में पड़ जाएँ और ये सिलसिला अगर बढ़ता चला जाए तो इन सब का खमियाजा उसी आदमी को मुकदमा पड़ेगा जिसने इसका आगाज़ किया है इस हवाले से एक रिवायत हमें मिलती है हज़रत मूसा साम के हवाले से कि हज़रत मूसा आलाम के सामने एक दिन शैतान आया मुजस्म शक्ल में आया और उसने आने तो के, तो के बाद ये कहा कि मैं बंदों के दरमियान जब नफरतें माशरे के अंदर नानी ईजाद करना चाहता हूँ तो उनको तहमद लगाने के ऊपर लगाता हूँ एक दूसरे के ऊपर तहमद लगाए और तहमद लगाने के लिए तो हम पूरा शो शौक और तहमत के लिए मैं उनको सिखाता हूँ कि पहले तुम उनकी गहबद कर लो फिर उनको गिबदत करने लग जाते और जब पे... वो गिबदत कर लेते हैं तोहमत लगा देते हैं तो फिर उसके बाद मुआरे के अंदर एक बदनमनी पैदा हो जाती है तो जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया वाकई ऐसा ही कि मुआरे के अंदर कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और बाकी लोग आँख बंद करके उसके ऊपर अमल करने के लिए मैदान में निकल जाते हैं जबकि इस कुर करीम के अंदर अल्लाह तरर्या कि आयोदी अमन फाशुन बे नबीन फ़तबो का उम बतुष्भी हो आलामा फ़ालतुम ना तहक़ीक करने का आपको हुक्म दिया गया कहीं से भी कोई अगर ख़बर आप तक अगर पहुँचती है ख़ास तौर पर बंदों के हक़ के मामलत से मरबूत अगर वो हो तो वहाँ पर आँख बंद करके कोई रिएक्शन नहीं दिखाना बल्कि उनके बारे में आप तहकीक कर लें और तहकीक़ के बाद अगर ख़बर दुरुस्त हो तो फिर उसके ऊपर जो है मुनासिब रद्द ज़ाहिर करने का जो है आपको इसकी इजाज़त हो मैं छोटे से ब्रेक लेता हूँ ब्रेक से वापस आता हूँ बिकॉज इस पर भी ये बात है कि इस तरह का अगर कोई अमल करता है तो उसको सज़ा देने के लिए कानून मौजूद है हम अपने हाथ में नहीं ले सकते बिल्कुल ठीक है।, है ना तो ये भी एक चीज़ है इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे जी छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं। जी वालेकुम एक दफा फिर आप सबको खुश आमदेद लाहौर में रहने वाले अवतार कर रहे हैं और यहाँ पे अवतार लग रही है और हमारी गुफ्तगु चल रही है जुल्म के ऊपर और डॉक्टर जवाद साहब से बात हो रही थी हजरत ये जो मैंने अभी एक बात की थी Uh, कि एक सिस्टम चूंकि ऐसा चल रहा था कि किस तरह से तो हज़रत उमर की तरफ़ से ऑब्वियसली ये पता नहीं डिस्कस क्यों नहीं करते आ, मैं इस पर बड़ा हैरान हुआ ये जो पुलिस का सिस्टम है पहली दफ़ा इस दुनिया में हजरत उमर लेकर आए थे जी। ये, आ, आप पढ़ लीजिए इस बारे में फिर आप लोगों को पर अदालती निज़ाम भी अदालती भी बाकायदा पुलिस का निज़ाम कायम किया था फ़ौज का निजाम बाकायदा कायम किया था सिपाही मुकर हुए थे उनकी वर्दियाँ बाकायदा सिलवाई गई थी उनकी ड्यूटियाँ लगी थी मुख्तलिफ जगहों पर चौकियाँ बनाई गई थी रसद गाहें थीं और जो ख़बरों की नशर का और ख़बरों की रसाई का एक पूरा निज़ाम आपने बनाया था तो आप सवाल ये कर रहे थे कि ये जो अगर कोई किसी पर ज्यादती करता है और किसी पर इल्ज़ाम लगाता है तो क्या इसका जो मजलूम है वो खुद जाकर इसका जवाब दे या खुद जाकर वो मुकाबला करे खुद जाकर कानून को हाथ में ले तो इसकी ना इस्लाम इजाजत देता है ना कानून इजाजत देता है और ना हमारा इखलाकी सिस्टम इजाजत देता है इस तरह होगा तो जंगल का कानून बन जाएगा जो तो हर हर, हर बाशूर यही हुआ है ना सर, आप हर मुल्क में यही हुआ है ये जुनूनी कौम है ना असल में किसी भी मसले पर आप मजहब के ना किसी ने कहा मजहब के नाम पर शरिया मजहब के नाम पर जीने को तैयार नहीं है मरने को तैयार है मारने को तैयार को तैयार है मरने को तैयार जहां जाके म, मरना चाहिए, वहां पे कुछ नहीं, वहां नहीं है यहाँ पे नबी करीम की आपने फरमाया तुम जानते हो मुफलिस कौन है तो साहबा ने कहा वो जिसके बाद और दिनार ना हो फरमा वो होगा जिसके पास वहां की करेंसी नेकियों के अंबार लगे होंगे लेकिन वो हुकूक आईबाद में कुत्ियों का ज़िम्मेदार होगा कोई आएगा कहेगा मुझे गाली दी थी कोई आएगा मुझे मारा था कोई आएगा मुझे मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था और इसके खाते से नैकियाँ ले लेकर उनको दी जाएंगी इसके पास कुछ नहीं बचेगा हत्या के दावेदार बाकी होंगे उनके गुना इसके खाते में डाले जाएंगे और पिछले जानना में डाल दीजिए मुझे तो किसी ने कहा यार वो आपके बारे में कभी कभी ऐसे लोग लिख देते हैं मैंने कहा लिखने दे यार अच्छी बात है अगर कहीं मुझसे कुछ गलतियाँ और गुना हुए हैं तो निकल रहे हैं सही सही आजम फ़िल्फ हज़रत इमान, इमान अबू हनीफ़ा और के बारे में आता है उनको किसी ना के बताया कि हज़रत फला ने आपकी की है आपके बारे में उन्होंने कहा ख़ुआ लाओ और उसको फलों से सजाया कहा कि उसको पहुंचा दो उसने अपनी नेकियां मुझे भेजी हैं मैं अपना फल उसको भेज देता एक आदमी आया उसने कहा फला आदमी फला फलाबा को बुरा कहता है आपने फरमाया तो अच्छा करता है अल्लाह ने क़ुरान में अपने नबी के साहबा से वादा किया है कि उनके मकाम को बढ़ाता रहेगा तो ये जो कह रहे तो उनके मकामा ही तो बढ़ रहे हैं ना सुलहान अल्ला असल में वो बुराई करने वाला समझता नहीं है कि वो अपना मकाम अल्लाह की में लग जाते रहे? हैं आपने एक किसी ने कोई चीज़ लगाई सब उसके पीछे लग गए उसके बुरा भला कहे जा रहे हैं गालियाँ दिए जा रहे हैं अरे भाई मैं कब से हम ये बात कर रहे हैं आपको कोई नहीं पसंद आपको नहीं अच्छा लग रहा अच्छा मैं ये बात मानता हूँ ये बात हमने भी पढ़ी है कि अगर जुल्म के ख़िलाफ़ आप आवाज़ नहीं उठा सकते हाथ नहीं उठा सकते जबान से बोले जबान से नहीं बोल सकते दिल में बुरा बोले तो ये, ये बात है लेकिन जुल्म के खिलाफ हम कह रहे हैं ना भाई जुल्म हिस्सा तो बने। एक मिनट अब मैं आपसे सवाल करूं नाराज तो नहीं नहीं, नहीं अब एक जुल्म हो रहा है हाँ। जुल्मे हो रहा है कि हमें ये कहा जा रहा है जनाब आली हमको कड़वे और सख्त इकदाम करने पड़ेंगे हम पेट्रोल महंगा करेंगे मैं बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी आइन के अंदर रहते हुए आप तक एक सवाल करता हूँ कि जनाब अली आपका पार्लियामेंट हाउस का जो 24/7 एसी चल रहा है वो किसके पैसे से चल रहा है वो बंद करो ना आप लोगों ने जो फ्री में अपने आप को इतने इतने हजार लीटर पेट्रोल फ्री किया हुआ है आप वो कड़वा घूंढ करके बंद करो ना आपने जो फ्री फोन लिया हुआ है वो बंद करो ना आप जो बाहर जाकर अपने बुखार का इलाज कराते हो वो बंद करो ना ये क्यों करते हो यार हम गरीबों की गर्दन इसमें फिर हम वहां फंस जाते हैं हम पड़ेगी ये बात मैं मानता हूँ बिल्कुल करेंगे लेकिन हम फंसते क्या क्योंकि ये हमारे इस्लाम से निजाम निकाला ना उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा ठीक हाँ। है उसको लोग मिलके सपोर्ट करेंगे ना है। वो काम ना करे ना करे, ठीक है ना अगर हाँ। उसके घर का अनाज है उसका ये ये हुआ है ना कि मैं गलत तो नहीं कह रहा पांच आप बात क्यों क्यों मंगवा रहे हो यार आप बात क्या क्या हमारा डी नहीं लेकिन सी हो रही है

नहीं नहीं उन्थी उन्थी। तो नहीं ना ना। बाकी आप ये देखिए ना ये नहीं। नहीं। से ज्यादा बाकी आपकी सारी बकर सिद्धी तो घर में अलवा पकवाते हैं पूछते हैं अलवा कैसे पकाया कहा कि वो जो आपके पूरे महीने की जो हमारी इनकम थी वो थोड़े 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 करके आज महीने का अख्तितम है तो हमने अलवा पका दिया आपने अपने ख़ादम को कहा कि जाके बैतुलमाल से कह दो कि ये जो रोज़ाना का इतना इतना पैसा मुझे बचा है ना

उसने कहा भाई क्या हो गया कहा पता चल मुझे पता लग गया कैसे तो मेरे सिद्दीक फोत हो गए कहा आपको कैसे पता लग गया आप तो अंधे हो और बस्ती से इतने दूर रहते हो कहा कि आपने निवाला गरम डाला है वो ठंडा करके डालते थे तो हुक्मरान का तो ये हाल होना चाहिए तनख्वाह कितनी दी है वो था कि जितनी एक मजदूर की तनख्वाह है उतनी मेरी तनख्वाह रखना फिर ये जो वाक्य हुआ आपकी बीवी ने जो बनाया था ना मीठा तो कहा गया यार वो मैं बचाती थी लोदाना इतना ना। बोला यार ये भी इसका मतलब मैं इतनी बचत होती है इसका मतलब तनख्वाह से मेरी जरूरत से जायेद असल एक बात और जुलम हमारे और भी हो फैसल भाई हम सारे जुल्म को तो वो कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जुल्म और भी हो रहा है क्या कि हमारे यहाँ बेटों और बेटियों को मसावी हुकूक नहीं दिए जाते अल्लाह ये बड़ा पॉइंट उठाया जा रहे स्कूल में पढ़ रहा है और विरासत का मसला विरासत का मसला विरासत का तो ऐसा मसला है कि आप जानते हैं कि तमाम के फका फिका जाफरिया के अंदर भी विरासत का मसला है बात को पूरा मत कीजिएगा मैं कल विरासत पे बात करूंगा ठीक हो गया सही हो आपको एक जुमला कह दूंगा नमाज फर्ज है इसी तरीके से विरासत बच्चे और बच्चियों को देना फर्ज बिल्कुल जितना सख्त हुक्म नमाज के लिए आया कुरान पाक में उतना सख्त विरासत के लिए आया बहल वो एक अलग बात है जुल्म हम ये भी कर रहे हैं कि बच्चा एक महंगे स्कूल में पढ़ रहा है

मेरी आंख में आंसू भी आते हैं मैं अपने बेटों को कहता हूँ मेरे दो बेटे हैं मैं उनको कहता हूँ बेटा तुम्हारे कपड़े बाद में लेंगे पहले तुम्हारी बहन के लेंगे तुम्हारी चप्पल बाद में लेंगे पहले तुम्हारी बहन अलहमदुल्ला हर मरतबा पहले हम अपनी बेटी की जरूरियात पूरी करते हैं फिर बेटों की इस्लाम ये दर्श देता है कि आप मसावत रखो कि बेटी को कहीं किसी जगह पर यह एहसास न हो कि मेरे साथ जी जी, जाहलीत की बहुत बात करते हैं कि जाहलीत के दौर में खुवान के हकूक जो अदा नहीं किए जाते बेटियों को उनका हक नहीं दिया जाता था बेटियों को मार दिया जाता था अभी आपने जो इशारे किया ना माशरे के अंदर आज भी वही जाहलाना दौर या जाहलाना तस्वर पाया जाता है उस जमाने में एक जाहलाना जहात बहुत ज्यादा थी तो वो कत्ल कर देते थे मार देते थे आज के बहुत सारे अफराद ऐसे कि जो नहीं मार सकते माशरे के तंज और तानों की वजह से तो उनके हकूक़ को कम कर देते हैं उनकी वरासत रोक लेते हैं उनका हिस्सा उनको कम दे देते हैं इस्लाम की तो तलीमत में ये शामिल है रिवायात अहरबियत में ये मिलता है कि अगर आप बाहर से अपने बेटे और बेटी के लिए कोई चीज़ अगर लेकर आएँ तो पहले बेटी को दे, दे दें फिर बेटे को दे दें भाई मैं आपको बेटे को पहले देने का ताकि वो पहले खुश हो जाए फिर कर रहे थे तो औरजिनल एक वाक़ था जिसको हम उस पर काम हमने किया था उसमें था ये कि वो एक साहब थे जिनकी कुछ चार बहनें थी पांच बहनें थी सॉरी उन पांचों बहनों की उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि अगर मैं शादी करूंगा तो मुझे विरासत देनी पड़ेगी और वो बुढ़िया बिचारी घर में पड़ी पड़ेंगी नहीं शादी नहीं भी करेगा तो फिर भी विरासत देनी पड़ेगी नहीं घर में ही रखा हुआ है ना घर में रखे फिर भी देनी पड़ेगी पड़ेगा उनका नहीं देना पड़ी है तो नहीं दे रहे ना मूरिस मोरिस फोत हो गया तो वारिस को विरासत देनी पड़ेगी चाहे उसकी शादी हो या ना ये इस पे कल बात लेंगे भाई उस पर कौन बहस करेगा परसों कर लेंगे कल तो गजब है बदर है हाँ कल है परसों कर, कर लेंगे लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको ये तो हमने ऐसे ऐसे वाकयात देखे हैं कि कभी कभी हम खो दिल जाते हैं कि यार ये क्या जुल्म कर रहे हैं आप लोग अच्छा एक जुल्म और भी है ना फैसल भाई के एक बच्ची हम इतने अरमानों से और इतने शौक से और इतनी खुशी से ब्याह के लाते हैं और फिर जो है हम कहते हैं कि इसके ऊपर जितने भी काम के पहाड़ तोड़ने सारे के सारे पहाड़ इस पर तोड़ने शेरी भी वही बना रही है इफ्तारी भी वही बना रही है दिन को झाड़ू भी वही लगा रही है पोचा भी वही लगा रही है अल्लाह के बंदो इस बच्ची को जिसको तुम ब्याह कर लाए हो ये किसी की बेटी है इस इसपे मैंने पूरा प्रोग्राम करना इंशाल्लाह करेंगे इस पे लेकिन ये जुल्म ये हम थोड़ी थोड़ी कब बनेगी बेटी वो बहू कब बनेगी बेटी? वो <laughs> रहे ना पंजाबी थोपे मारना हाँ। तो थोपे मार रहे हैं थोड़े थोडे ताकि लोग सुन ले के ये भी सारे के सारा हजरत बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे लेकिन मैं शुक्रिया अदा कर दूं अपने तमाम स्पॉन्सर्स का आ, हमारे साथ वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क है हमारे साथ हरबियन है हमारे साथ यहाँ पे अपना ओसेस है Uh, हमारे साथ फोटाइल है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ खालिद स्वीट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ ओजी डेवलपर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत सारे इनाम हैं और ये भी हमारे पास एक इनाम है आके हमारे खानों में मुँह मारती रहती है सो <laughs> <laughs> हाँ बहरहाल तमाम जो इस्पॉस हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और इस वक्त हम छोटा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद मग़रब का टाइम أكبر الأنبياء. الله أكبر الله. 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا